आमीन। अगर आप भी मेरे साथ ये चार लाइन एक साथ मिलके पढ़ सकते हैं, गर्व के समय से पाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज आप यहाँ पे इसके लिए हैं क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको नहीं पाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने आमीन गर्व के समय से आमीन आपको पाल के रखा हुआ है, आपको संभाल के रखा हुआ है, आमीन आपको चुन के रखा हुआ है। कितने लोग कह सकते हैं, यू चोज़न मी गॉड, आपने मुझे चुना है। हमें बनाया मुझको अपने रूप से, बनाया मुझको। आज अगर खुदा ने आपको बनाया है तो आपके अंदर कोई रोग नहीं हो सकता। अगर खुदा ने आपको बनाया है तो आपके अंदर कमजोरी नहीं हो सकती। आज आपको विश्वास करना है कि खुदा ने अगर आपको बनाया है तो आपको विश्वास करना है कि शैतान का हर झूठ गलत है। शैतान जो कह रहा है सकते, खुदा ने मुझे अच्छा बनाया है, खुदा ने मुझे अच्छा बनाया है। कभी कभी जब आप दुकान में जाएंगे तो जब आप एक प्रोडक्ट को लेते, एक सामान को खरीदते, एक वस्तु को लेते, तो क्या आप खराब वस्तु को लेंगे? आप एक दुकान पे जा रहे हैं, आप क्या वहां से यूज किया हुआ बर्तन लेंगे? उसमें अगर दाग होगा तो आप लोगे? आप एक व्हाइट शर्ट लोगे, उसके अंदर अगर दाग होगा तो आप लोगे? लोगे क्या? नहीं लोगे। आमीन। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपने उसका क्या किया है, एक कीमत आप चुकाने वाले हैं। जो भी उस टैग में होगा, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, जो भी टैग होगा, वो टैग आप क्या करेंगे? आमीन। उसका मूल्य आप दे रहे हैं तो बदले में आप क्या लेंगे? आप सही प्रोडक्ट को लेंगे। आमीन। अच्छा प्रोडक्ट होगा वो, घर पे सही। तो आपको आपको पता है आपका दाम किसने चुकाया है? आमीन। जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? आपका दाम चुकाया है। जब शैतान आके बोले आप में खराबी है, आप बेकार है, आप तुल्य नहीं है, आप अच्छे नहीं है, आप भले नहीं है, आप ज्ञानी नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, शैतान को कहना, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या दिया है? एक मूल्य चुकाया है। परमेश्वर ने अपना लहू मेरे लिए क्या किया है? चुकाया है, तो उसमें कमी नहीं हो सकता है। हालेलुया, आमीन। फिर लिखा है डाली तूने अपनी रूह है। यहां पर आके सब गड़बड़ हो जाता है क्योंकि खुदा ने आपको पाला और खुदा ने आपको रूप दिया, लेकिन तीसरे लाइन में गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या है? जिस खुदा ने आपको रूप दिया और जिस खुदा ने आपको बनाया और जिस खुदा ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जब समय आया तो आपके पास एक मौका है, आप उसके रूप को चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते हैं? क्योंकि रूह परमेश्वर सबको देना चाहता है, लेकिन लेकिन आपका चॉइस है कि आप उस रूह को परमेश्वर के, आमीन, उस रूह को आप अपने शरीर में, अपने बर्तन में आप रखना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि खुदा किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। आज 2022 के पहले महीने में मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बात सही है कि खुदा ने आपको पाला है, दूसरी बात सही है कि गर्भ में आपको रखा है, आमीन। लेकिन आज तीसरी बात, खुदा अपनी रूह से आपको भरना चाहता है, अपनी पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, लेकिन गलत शरीरों में और गलत बर्तनों में वो नहीं आएगा। अहंकारी शरीरों में वो नहीं आएगा। गुटखा खाने वाले, लड़की बास करने वाले, हमें दारू पीने वाले, हमें पोर्नोग्राफी देखने वाले लोगों के शरीर में आकर वो व्यवस्था नहीं है। वो आज एक बहुत ही सही शरीर को ढूंढ रहा है। मैं नहीं जानता लाइव में देखने वाले कितने लोगों के अंदर वो आएगा, मुझे नहीं पता इस ऑफलाइन कलीसिया में, हमें कितने लोगों के अंदर वो आएगा, आप जानते हैं। खुदा कहता है मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे गर्व में रखा, मैं तुझे नाम से जानता हूं, लेकिन आज मैं तेरे अंदर एक और वस्तु डालना चाहता हूं, एक और व्यक्तित्व को डालना चाहता हूं, और वो क्या है? खुदा की रूह है, खुदा का पवित्र आत्मा है। हमें वो कहता हूं मैं तेरे अंदर भरना चाहता हूं। लेकिन आज सवाल आपसे है, क्या आप उसे चाहते हैं कि नहीं? कल छठा दिन था, कल हमने सीखा, हमने बोला वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। जब पवित्र आत्मा आना है तो आपको अपने जीवन का सबसे पहला चीज बोलिए अहंकार। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अहंकार हटाना, आदम और हव्वा से परमेश्वर खफा क्यों था? क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया।
उन्होंने कहा हमें तेरे दिमाग की जरूरत नहीं है, हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। आज यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग अपना दिमाग लेके आए हैं। बेटा तू खाली करके यहाँ से जाएगा, तेरे जीवन में एक आशीष आएगा। तू अहंकार के साथ आया है, एक भी चीज तेरे लिए नहीं होने वाला है, एक भी। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे क्योंकि अहंकार है अभी। प्रेज द लॉर्ड, अहंकार नहीं होता तो अभी उठ जाएगा हाथ सारा। हालेलुया। आराधना में अगर आप अहंकार है इसके लिए आराधना नहीं कर पा रहे, अहंकार हटेगा अपने आप आराधना आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप आराधना नहीं कर सकते, वो भी एक अहंकार है। क्योंकि शैतान, मैं हमेशा विश्वास करता हूं, वही इंसान आराधना नहीं करता जिसके अंदर शैतान है। तो पारस में ये पूरे चर्च को देखता हूं और फिर मैं और ये मेरा आईसीएम का चर्च है तो इसके लिए मेरे पास अधिकार है बोलने का। लाइव में तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि आप शायद किसी और चर्च में भी जाने वाले लोग हैं, लेकिन जब मैं देखता हूं लोगों को प्रेज द लॉर्ड और मैं इनकी आराधना की रीति को देखता हूं और मैं जब आराधना को देखता हूं तो मेरा दिमाग कभी कभी बोल उठता है इस प्रकार से, क्योंकि मैं जानता हूं एक व्यक्ति जो सारे स्वर्गदूतों में से अगर कोई एक स्वर्गदूत है जो आराधना नहीं करता है तो वो स्वर्गदूत कौन है आपको पता है? लूसीफर। तो अगर आपके बगल वाला बैठ के आराधना नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं शैतान के किसी बंधन में वो पड़ा हुआ है। अब मुझे तो बिल्कुल डर भी नहीं है, मैं तो आंखों में आंखें डाल के देख के भी बोल सकता हूं कि किसके अंदर क्या है। क्योंकि जब कोई गला फाड़ के गा रहा है और ताली बजा रहा है और वो गिटार बजा रहा है, ऑर्गन बजा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वो शायद एक हफ्ते से वो कोशिश कर रहा है कि आप आओ तो वो आपके लिए कुछ ऐसे मधुर संगीत को ले आए जिससे खुदा का नाम बढ़ सके, स्वर्ग में जैसे महिमा हो सके वैसे हो सके। और फिर और आप बड़े कैजुअली आते हैं और वहीं खड़े होके देखते रहते हैं। बेटा तू 2021 में भी तेरा अवस्था वही था, 20 में भी वही अवस्था है, 19 में भी वही था, 23 में और 22 में भी वही रहेगा अगर तू अपना अहंकार नहीं हटाएगा। आमीन। और खुदा के आमीन उपस्थिति में जैसे एक बच्चा अपने बाप के पास आमीन आराधना करने जाता है, जैसे इसहाक ने अब्राहम से सवाल ना पूछा और कहा अगर कटना है तो कटेंगे, आमीन मरना है तो मरेंगे, लेकिन आराधना से पीछे नहीं हटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब खुदा उतर कर आया। अब्राहम का विश्वास योग्यता नहीं था, इसहाक का आराधना था जो खुदा को मेमने को भेजने के लिए तैयार हुआ। आज आप दूर दूर से आए हैं, आमीन, हमारा आधा चर्च ऑनलाइन देख रहा है, उसके अलावा कई कलीसियाओं से देखने वाले, आमीन, मेरे हिसाब से 500 से भी ज्यादा अधिक लोग, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, यूट्यूब फेसबुक में, और थोड़ी देर में शायद 1000 लोग जुड़ जाएंगे। आमीन, आपको ये प्रचार अगर आशीषित होना है तो आज आपको 2022 में अपनी आराधना का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। मैं नहीं जानता आप कौन से चर्च से है, किस सिटी से देख रहे हैं, लेकिन आराधना का एक ही तौर तरीका है, वो पवित्र आत्मा के सच्चाई और आत्मा की अगुवाई में किया जाता है। आमीन। हालेलुया। जिंदा खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें साथ लेकर आए। प्रभु जी आप लाइव में हमें एक साथ जुड़ने वाले हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आज हमारे दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना। प्रभु जी पिछले दिनों में जो प्रभु जी हम जकड़े हुए हैं खुदा, प्रभु जी 2022 की शुरुआत में अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो वो दिखता है बाहर। आमीन, वो दिखता है बाहर। परमेश्वर प्रभु जी एक सुंदर वचन को हम सुनने जा रहे हैं, आप हमसे बातचीत कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, जो आमीन फेसबुक और यूट्यूब में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप सबको आमीन शालोम और मारानाथा। विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिछले दिनों में जैसे हमसे बातचीत किया, आज भी परमेश्वर हमसे वैसे ही बातचीत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले 6 दिन आप में से अधिक लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े, आमीन, क्योंकि मुझे आपके नोट्स मिलते थे। कुछ लोग थे मैंने बोला हिंदी में, मुझे लगा अच्छा सिस्टर आप नोट्स भेजोगे करके। हालेलुया, आमीन, वेट कर रहा था इतना अच्छा हिंदी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कुछ और लोगों ने, प्रेज द लॉर्ड, मदद किया। अगले 2 हफ्ते भी आपका मदद चाहिए होगा, हिंदी में लिखना आता है आपको, शिल्पा तुझे आता है,
नहीं आता, जिसको भी अगर हिंदी में लिखना आता है, मैं चाहता हूँ आप एक अच्छा सा नोट बनाएं और हर दिन उसे दे, ताकि अनेक लोगों तक, आपको पता है कई लोगों को वो नोट्स दे, नोट्स एक आशीष का कारण रहा है। आई मीन प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो यूज कर रहे हो उसे। हालेलुया, मेरे पास टेस्टिमनीज है लोगों का कि आई मीन कि हम अपना जीवन बदलने के लिए तैयार है। आई मीन हालेलुया, हम अपना जीवन 2022 में हम अपना जीवन बदलने के लिए तैयार है। मेरे को, मैं हमेशा ये प्रचार करता हूँ, पाप का बोध हमें धार्मिकता की ओर लेकर जाता है। पाप का बोध हमें धार्मिकता की ओर, जितना हम 2022 में झुकेंगे उतना खुदा हमें उठाएगा। मैं तो एक बारी को कहूंगा, आप अपनी पत्नी के सामने भी झुक जाना, जितने पति लोग सुन रहे हैं, उतना खुदा आपको उठाएगा। जितनी पत्नियां हैं अपने पति के सामने झुक जाना, उतना खुदा उठाएगा। जितने बच्चे अपने माँ बाप के सामने झुक जाना, उतना परमेश्वर उठाएगा। जितने माँ बाप है अपने बच्चों के साथ झुक जाना, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी झुकना जरूरी है। आमीन, जो जितना झुकेगा खुदा उसे उतना उठाएगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड, ये साल हमारा झुकने का साल है। किसके लिए? खुदा के सामने, ताकि वो इस साल हमें उठा सके। इसी के लिए हम साल की शुरुआत में 21 दिन का दुआ रखे हैं। हमने उपवास नहीं रखा। कई लोगों ने सवाल पूछा कि हमने उपवास क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं आप नौकरी में जाके उपवास नहीं रख सकते। उपवास में आपको खुदा की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। नौकरी जाके खाना पका के, आमीन, आप वो कौन सा उपवास है? मेरे को तो आज तक वो उपवास बाइबल में नहीं दिखा, आपको मिले तो बताना। क्योंकि उपवास का मतलब है खुदा की उपस्थिति में, अगर 3 दिन भी लिया है, 21 लेने की जरूरत नहीं है, 7 लेने की जरूरत नहीं, अगर 3 भी लिया है तो वो 3 दिन पूरा किसके उपस्थिति में होना चाहिए? वो खुदावंत परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। तो हम उपवास नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कोविड प्रोटोकॉल्स है, चर्च में मिल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं। आमीन, तो इसके लिए हमने क्या किया, आमीन, 21 डेज का प्रेयर रखा, 21 दिन का प्रार्थना रखा। हमें नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें नहीं पता था 21 दिन के उपवास में इतने सारे लोग जुड़ने जा रहे, इतने सारे, हमें बिल्कुल नहीं पता था। आमीन, इनफैक्ट कल शायद सबसे ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े थे। आमीन प्रेज द लॉर्ड, और मैं हमेशा कहता हूं कि आमीन, हमारा सबसे बड़ा चर्च ऑनलाइन चर्च है। हालेलुया, हमारा सबसे बड़ा चर्च ऑनलाइन चर्च है। आमीन, और परमेश्वर हमें क्यों लेके आए, क्योंकि हम दुआ में बढ़ने जा रहे हैं, हम वचनों में बढ़ने जा रहे हैं। साल के शुरुआत में हम खुदावंत को क्या कर रहे हैं, अपना समय देने जा रहे हैं। साल के शुरुआत में हमारे अंदर जो कमियां हैं खुदावंत के सामने हम उसे रखने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर साल का शुरुआत अगर झुक गए तो बाकी 11 महीने परमेश्वर हमें क्या कर सकता है, उठा सकता है। इसके लिए साल का शुरुआत हम क्या कर रहे हैं, खुदा के सामने दे रहे हैं। मैं पिछले दिनों में दशमांश के विषय में सीख रहा था, आमीन, और जैसे दशमांश बोला तो इस चर्च में तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, इस चर्च के लोग हमेशा दशमांश के लेके कभी उन्हें टेंशन नहीं है। आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। देने वाले को परमेश्वर, मैंने हमेशा देखा, देने वाले को दिक्कत नहीं होती, जो नहीं देता उसे दिक्कत। हालेलुया, देने वाला कभी बोलता भी नहीं है, वो चुपचाप देता रहेगा, उसे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जो कभी कभी देता है उसे पब्लिसिटी चाहिए। हालेलुया, वो 4 जगह फोटो भी दिखाएगा अगर उसने 1 किलो चावल भी दिया है तो। हालेलुया, आमीन, उसके हर स्टेटस में वो दिखेगा कि उसने इतना दिया, 4 जनों को बता भी देगा कि उसने इतना दिया है, लेकिन देने वाला कभी नहीं बोलेगा उसने दिया है, क्योंकि उसे पता है उसे किससे मिला है। हालेलुया, तो जिसे खुदा से 10 मिला हो, 100 मिला हो, उसे 10 देने में दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे अभी भी मुनाफे में है, वो 90% मुनाफे में चल रहा है वो। हालेलुया, तो 10 का जाने से भी उसे दिक्कत नहीं है। पर आज मैं वो वाला दशमांश का विषय नहीं बता रहा। जब मैं दशमांश के विषय में सीख रहा था, मेरे को परमेश्वर ने कहा दशमांश सबसे बड़ा समय का होता है, सबसे बड़ा दशमांश समय का होता है। खुदा आज आपसे समय मांग रहा है। पिछले सालों में हमने अपना समय विभिन्न जगहों पे, विभिन्न चीजों में, विभिन्न व्यक्तियों को हमने क्या किया, अपना समय दिया। आपने शायद अपने परिवार को दिया, नौकरी को दिया, बिजनेस को दिया, कई चीजों को आपने अपना क्या किया, अपना समय दिया। आमीन, परमेश्वर ने कहा इस साल अगर मेरे बच्चे मुझे समय देंगे, पिछले सालों में बाकी चीजों में समय देकर जो आशीष मिला है उससे 4 गुना ज्यादा, आमीन, इस साल मुझे अगर वो समय देंगे तो मैं उन्हें उठाकर, आमीन, मैं आशीषित करूंगा, परमेश्वर कहता है। अशोक जी मास्क पहन लेना प्लीज, 2 बार और मत बुलवाइएगा प्लीज। एक जन के विषय के आपको उंगली दिखा रहा हूं, मैं हाथ दिखा रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कोई ये सिस्टर जी को एक मास्क दे सकता है? मास्क पहन के आइए सिस्टर जी, है प्लीज उसे लगाइए, प्रोटोकॉल्स को तोड़िए मत, थोड़े ही लोग हैं लेकिन कल को दिक्कत हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया,
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे वजह से किसी और की आराधना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा, मुझे पता है कष्ट है, हमें कष्ट है थोड़ा सा, ये सब मुश्किल चीज़ें लोग आके क्यों रखा है मुझे भी नहीं पता है, पर मुझे पता है शायद आपको या आपको भी है ना, नाक में बहुत दिक्कत होता है मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, हमारे वजह से किसी और को दिक्कत नहीं हो, प्रेज द लॉर्ड। समय का दशमांश देना बहुत जरूरी है। एक दिन में हमें कितना मिलता है पता है, 24 घंटे मिलता है। कितना मिलता है? टेक्निकली 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट किसका है? परमेश्वर का है। 2 घंटा 40 मिनट किसका है? 40 मिनट परमेश्वर का है। अब मैं अगर अपने डैड मॉम को देखूं, मेरे पिता और मेरी माँ को देखूं, आमीन, तो मैं बोल सकता हूं कि वो अपना दशमांश, जब से मैं जानता हूं तकरीबन 15 साल से, वो अपना करेक्ट दशमांश समय का हर दिन उन्होंने परमेश्वर को देते हुए मैंने देखा। अब मैं अपने बारे में बोलूं भी तो मैं अपना खुद का टेस्टिमनी दे सकता, मेरी वाइफ मेरी टेस्टिमनी दे सकती है, प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन 2 घंटे से ऊपर मैं खुदा को दशमांश देने का कोशिश करता हूं। हालेलुया। इस साल अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ प्राप्त करना है, पारस को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, प्रेज द लॉर्ड, अनीता को प्राप्त करना है, आमेन, मनीषा को प्राप्त करना है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, तो आपको इस साल सबसे कठिन काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं दुनिया का सबसे कठिन काम खुदा की उपस्थिति में बैठना है, आमेन। तो इस साल आपको वो कठिन काम को करना पड़ेगा, और वो कठिन काम क्या है? हर दिन में से आमेन 2.5 घंटा निकाल के आमीन खुदा को विभिन्न समय में विभिन्न जगह पे आमीन खुदा को समय देना पड़ेगा। अगर तू अपना नींद का समय लेता है, खाना पकाने का समय लेता है, झाड़ू लगाने का समय लेता है, बिजनेस का समय लेता है, नौकरी का समय लेता है, तो तुझे अपना नींद और अपना थकावट हटाकर खुदा को बोलना पड़ेगा, आमीन, मैं हर दिन अपना 2.5 घंटा, यस, मैं अपना दशमांश इस साल हटा कर दूंगा। Praise the Lord। अब जब भी मैं दशमांश के विषय में बाइबल में या मैं प्रचारों में सुनता हूं, आमीन, और मैं कोई नहीं हूं किसी भी प्रभु के दास को कुछ बोलने का, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं अधिकतर लोग पैसे के लिए बोलते हैं। मान लो सरस्वती सिस्टर आती है, वो एक दिन में 6 घंटा 8 घंटा काम करती है। अब सोचो मैं पास्टर हूं और मैं जानता हूं, आई मीन, वो मेहनत करती है, और मैं आके सरस्वती सिस्टर को सिर्फ ये बोल देता हूं कि सिस्टर जी आपको आपके 100 रुपए का दशमांश देना है, सिर्फ 10, तो पूरी तरीके से कभी भी सरस्वती सिस्टर क्या नहीं कर पाएगी, आशीषित नहीं होगी। एक पासवान होने के नाते मेरे कलीसिया को तो धन मिल जाएगा, लेकिन उनको पूरी तरीके से आशीष नहीं मिलेगा। उन्हें तब आशीष मिलेगा जब मैं उनको यह भी बोलूंगा, आमीन, सिस्टर जी अगर आपसे हो सके तो आप क्या करना, हर दिन आमीन अपने दिन को ऐसे बांट देना कि आप दिन में इतनी बार खुदा की उपस्थिति में आओ कि वो एक दशमांश में बदल सके, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब कोई 10 देता है उसका 100 खुदा बड़ा भी देता है, आमीन। जब तू खुदा को 10 सोच, तेरा समय जब तू खुदा को देगा, तेरी आयु को खुदा बढ़ा देगा, तेरी आयु को, आमीन, क्योंकि तूने क्या दिया है, समय दिया है, आमीन। परमेश्वर आपको टाइम देना शुरू करेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे टाइम, लोग कहेंगे यार 2.5 घंटा अगर खुदा के लिए निकालेंगे तो बाकी क्या करेंगे, और ये सिर्फ हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं रहेगा करके। मैं आपको बता रहा हूं आपके पास समय रहेगा। आप खुदा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुदा को समय देने के बाद ये बोले कि मेरे पास समय नहीं है, आमीन, हालेलुया। आप नौकरी करने के बाद बोल सकते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद, क्यों आप जानते क्यों मैंने बोला, क्योंकि एक्लीसिया की किताब में 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने इस समय बनाया है। समय का उत्पन्न उसने कैसे किया पता है? उत्पत्ति का 1 किताब 2 वाक्य में जब पानी के ऊपर, आमीन, पवित्र आत्मा मंडरा रहा, तो खुदा उजियाला ले आए जिसमें उसने सूरज को ले आए, और उसके द्वारा उसने क्या किया, समय का उत्पन्न किया। लेकिन कल को अगर खुदा को आपके लिए समय बदलना पड़े तो वो बदल देगा। कैसे बदलेगा? यहोशुआ ने कहा, खुदा, आमीन, हम युद्ध हार जाएंगे, अगर अंधेरा आ गया, सूरज ढल गया, खुदा ने कहा तू मेरे उपस्थिति में हर दिन, आमीन, समय बिताने वाला व्यक्ति है, तेरे लिए अगर समय भी रोकना है तो इस सूरज को भी मैं टिका दूंगा, आमीन।
और आपको लगता है प्रेज द लॉर्ड कि खुदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपका प्रेयर बेकार नहीं जाने वाला है, आमेन, आपका आराधना बेकार नहीं जाने वाला है, आपका आंसू बेकार नहीं जाने वाला। तूने खुदा के सामने समय दिया, तेरे हर काम में खुदा समय को बदल कर तेरे लिए सही कार्यों को करना शुरू करेगा, आमेन। तो हमें इस सातवें दिन एक निर्णय लेना है खुदा से। मैं हमें बोलने का मतलब है सबको अपना अपना लेना है, सबको। मैं आपको आके नहीं देखने वाला, मैं तो आज प्रचार कर लिया उसके बाद मैं तो घर नहीं आ रहा। पर कल आप ये नहीं बोल सकते कि आपने ये वचन नहीं सुना, क्योंकि कल इस कलीसिया की ईंटें, कल फेसबुक बोल उठेगा, यूट्यूब बोल उठेगा, अगर आपने बोला मुझे किसी ने नहीं बताया था, आमीन। ये सब बाइबल बताती है अंत के दिनों में तेरे चारों तरफ की हर एक वस्तुएं, आमीन, चिल्ला चिल्ला कर बोल उठेगी कि सुना था हमने, सुना था हमने, इसने भी सुना था, हमने भी सुना था। तो इसके लिए आपको खुद एक निर्णय लेना पड़ेगा, परमेश्वर मैं इस साल आपकी उपस्थिति में समय बिताऊंगा। अब कहां कटौती करनी है तो आपको पता है, लेकिन जहां करनी है उस समय को काटकर खुदा के समय को बढ़ा दो। And then see what God is capable to do for you. परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। मैं आपको एक वाक्य देना चाहता हूं, और ये हम लोग आज और अगले संडे इस वचन को हम सीखेंगे, आमीन, क्योंकि अगले संडे हमारा 14वां दिन हो जाएगा, इसके लिए वो एक साथ हम लोग उसको सीखेंगे। अगर आपके पास आपका बाइबल है, हम निकालेंगे भजन संगीता, सैम्स 63, उसका एक भजन संगीता 63 उसका एक हम लोग मिलके पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है, सैम्स 63 वर्स नंबर 1, आमीन। और मुझे परमेश्वर ने जब ये वचन दिया, आमीन, खुदा बाप ने कहा कि ये हमें जरूरत है, हमारे लाइफ की कुछ कमियां इसके द्वारा हब हटने जा रही है, आमीन, हालेलुया। कुछ है हमारे अंदर जो कमियां है जो हटनी है, और खुदा ने कहा तुम ये करना शुरू करोगे तुम्हारी कमियां अपने आप एक एक कर कर हटेंगी। अगर आप मेरे साथ पीछे पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे। है परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। बोलिए कैसे ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा। यत्न से का मतलब है मैं हर दिन सुबह सुबह से तुझे क्या करूंगा, जब से मेरी आंखें खुलेगी, जब मुझे एहसास होगा कि मेरी सांस अभी भी चल रही है, तब से मैं तुझे क्या करूंगा, आमीन, हर दिन हर पल हर समय मैं तुझे क्या करूंगा, ढूंढूंगा। आज मेरा टॉपिक भी इतना ही है, सीक गॉड, सीक गॉड। हिंदी में इस प्रकार से है, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, आमीन, उसे खोजना बहुत जरूरी है। सीक गॉड, परमेश्वर को ढूंढना। परमेश्वर उसी के साथ रहेगा जो परमेश्वर को क्या करना चाहता है, ढूंढना चाहता है। हमें एक वाक्य पसंद है, वो वाक्य पता है क्या है, मांगो तो खटखटाओ तो बीच वाला गायब हो जाता है, बीच वाला गायब हो जाता है, मांगो तो, क्योंकि अधिकतर लोग खुदा के पास सिर्फ मांगने आते हैं, चंगाई के लिए मांगने, नौकरी के लिए मांगने, बिजनेस के लिए मांगने, बस मांगने ही आते हैं। और फिर दूसरे लोगों को पसंद भी है, खटखटाओ तो क्या है, परमेश्वर कुछ दरवाजे खोल दे, खोल दे, खोल दे। और ये परमेश्वर करता है, मैं आपको नहीं बोल रहा मत मांगो, मांगो, क्योंकि आपके पास और कोई है ही नहीं मांगने के लिए, सिर्फ खुदा है, मांगो, जितना मांग सकते हो मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मांगने और खटखटाने के बीच में एक है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। मांगने वाले को तब मिलेगा और खटखटाने वाले को तब खोला जाएगा जब आप खुदा को ढूंढोगे। बिना ढूंढने वाले को परमेश्वर क्या नहीं करेगा, कार्य नहीं, ना वो खोल पाएगा और ना वो क्या कर पाएगा, आमीन, वो तेरे लिए एक रास्ता खोल पाएगा, ना ही वो तुझे दे पाएगा। तो इसके लिए आप सबके पास प्रेयर कार्ड है कि नहीं है, आमीन, 21 दिन के लिए हमने क्या किया है, प्रेयर कार्ड रखा हुआ है, आमीन, जिसको लेके हम हर दिन क्या करते हैं, हम दुआ करते हैं कि उसमें अपने विषय लिखे, मैंने भी लिखे, 5 विषय लिखे मैंने, 5 विषय को मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है। पहला विषय मैं आपको बता देता हूं, पहला विषय, आमीन, मेरा प्रार्थना है परमेश्वर से कि दिल्ली शहर में परमेश्वर, आमीन, मैं हमेशा परमेश्वर से बोलता हूं कि मुझे एक अच्छा बड़ा जगह चाहिए, हालेलुया, अच्छा बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि जब मैं मॉल देखता हूं वो इतने बड़े हैं, जब मैं डिस्कोथेक देखता हूं इतने बड़े हैं, आमीन, पार्क देखता हूं इतने बड़े हैं, आमीन, घर देखता हूं इतने बड़े हैं, तो फिर चर्च छोटा क्यों होना चाहिए, चर्च इतने से में क्यों होना चाहिए, आमीन, अगर चर्च चाहिए तो बड़ा चाहिए,
खुला होना चाहिए, जहां पे लोग आ सके, बैठ सके, उपस्थिति में आराधना कर सके। सुकुड़ के रहने वाला जगह नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे गली वाला नहीं चाहिए तेरा, क्योंकि तुम में से कुछ लोगों को परमेश्वर आने वाले दिनों में वाहन देगा। और पर मैं नहीं चाहता कि तुम वहां के दो किलोमीटर दूर गाड़ी रख के आओ, परमेश्वर मुझे एक जगह चाहिए जहां पे हर एक व्यक्ति जब आए तो चार जने देखकर बोल सके आमेन, ये भलाई है ये, आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्रेज द लॉर्ड, तो इसके लिए प्रेग्नेंट होके बच्चा हो गया है, बहुत सुंदर बेबी है, आमीन, तो इसके लिए आमीन मैं धौलपुर में आमीन अपनी वाइफ के घर पे रहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, तो थोड़ा बहुत वाइफ की मदद भी कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाता, कोशिश बहुत होती है लेकिन नहीं कर पाता, आमीन, बीच बीच में बेबी को भी उठा लेते हैं, आमीन, लेकिन फिर वो कितना कितना देर एक बाप उठा सकता है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसे तो माँ की गर्मी चाहिए। ये सब कार्यों के बीच में, कैन वी शो दैट मैप, इन कार्यों के बीच में, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस साल तू कुछ लोगों को तैयार कर जो तेरे सिटी के लिए दुआ करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से देख सके, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा खुद भी अपने लोगों को बोल कि समय निकाले और इस सिटी के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने लोगों को बोल, आमीन, और प्रार्थना करे, अगर तेरा जन प्रार्थना करेगा, आमीन, तो ये सिटी के हर एक बाउंड्री को, आमीन, जो आमीन बंद पड़े शैतान ने बंद करके रखे हुए उसे मैं तेरे लिए खोल दूंगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई तलवार लेके आएगा वो आ नहीं पाएगा क्योंकि मैं एक बाड़ा बांध दूंगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोई आएगा, आमीन, प्रार्थना का एक जगह, एक माउंटेन तेरे लिए तैयार कर दूंगा कि जहां जहां दुआ होगी वो खुदा सुनेगा, ऐसा एक एक्सेस मैं तेरे को दे दूंगा, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं ट्यूजडे या वेनेसडे का बात है, दोपहर का समय था, आमीन, परमेश्वर मुझे बार बार बोल रहा था कि जा दुआ कर, आमीन, तो बिल्कुल जा, मेरी वाइफ का रूम है, उसके पीछे उनका ऑफिस रूम है, आमीन, उस ऑफिस रूम में मैं जाके बैठा और परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर सा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर ने मुझे एक वायदा दिया और बोला कि सिटी, आमीन, सिटी में दुआ करने के लिए और साथ में खड़े होने के लिए पिछले साल से बढ़कर इस साल कुछ और अभिषक्त दुआ करने वाले लोगों को मैं तेरे साथ जोड़ने जा रहा हूं, आमीन, परमेश्वर ने कहा वो सिटी के एक कोने से नहीं आएंगे, सिटी के अलग अलग कोनों से मैं उन्हें उठाने जा रहा हूं, परमेश्वर ने कहा उनका आयु अलग होगा, आमीन, तू आयु को देखकर उन्हें तुलना मत करना, किसी का तुलना, आमीन, किसी का आयु छोटा है तो किसी का आयु बहुत बड़ा होगा, आमीन, कोई शादीशुदा है तो कोई सिंगल होगा, लेकिन मैं जिसको भी तेरे लिए तैयार कर रहा हूं वो सारे अभिषक्त होंगे, आमीन, उनके अंदर इस शहर के लिए एक बोझ होगा, उनके प्रार्थना के कमरे में, आमीन, मैं उतर कर आने वाला हूं, आमीन, उन्हें मैं ढाल बनाने जा रहा हूं, आमीन, उनके जुबान में शक्ति होगा, उनके अंदर पवित्र आत्मा का एक रूह होगा, वो जहां खड़े हो जाए आत्मा का लहर बहना शुरू होगा, ऐसे कुछ लोगों को मैं तेरे लिए शब्द रूप में खड़ा करने जा रहा हूं, आमीन, जिनका जिनका दिन, जिनका दोपहर, जिनका शाम सिर्फ दुआ और दुआ और दुआ होगा, ऐसे कुछ लोगों को मैं तेरे लिए चारों कोनों से तैयार करने जा रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं वो व्यक्ति बन सकूं खुदा, आमीन, जो मैं एक ढाल बन के खड़ा हो जाऊं, आमीन, और इस शहर के अंदर, मैं नहीं जानता आप कहां से हैं, मैं तो सबसे प्यार कर, मैं तो चाहता हूं ये पूरा कलीसिया ऐसा कलीसिया बन जाए कि आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे किसी एक को छू लो तो वहां पे उसे चंगाई मिल जाए, वहां पे परमेश्वर का रूप बह जाए, क्योंकि अकेले एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब एक साथ दुआ करने वाले लोग हैं, आमीन, सिटी सिटी झेल नहीं पाएगा, वो घबरा जाएगा कि क्या हो रहा है, आमीन, हालेलुया। और शैतान का सबसे बड़ा ताकत आप जानते क्या है, सुनना चाहते हैं, शैतान आपको सबसे बड़ा कैसे बेवकूफ बनाएगा, वो आपको बाकी सब चीजों में व्यस्त कर देगा, बस प्रार्थना करने में नहीं देगा, आप सुनेंगे कैसे वो व्यस्त करता है, पति का दिक्कत, पत्नी का दिक्कत, बेटे का दिक्कत,
बेटी का दिक्कत, शादी का दिक्कत, पढ़ाई का दिक्कत, फीस का दिक्कत, और वो ऐसी छोटी छोटी चीजें डाल देगा और फिर वो तेरे अंदर एक भाई लेके आएगा। क्या लेके आएगा भाई? तुझे नौकरी नहीं मिलेगा अभी रोनी, तेरा क्या होगा मास्टर्स का, तेरे को बच्चा नहीं होगा, तेरा पीढ़ी आशीषित नहीं होगा, तेरा कर्ज नहीं हटेगा, तेरा परिवार विश्वास में नहीं आएगा। आमीन। तेरे अंदर ये बीमारी हो जाएगा, एक एक करके वो क्या करेगा, एक एक टेंशन को आपके दिमाग के अंदर लाएगा जो खुदा की ओर से नहीं है, जो खुदा की ओर से नहीं है वो तेरे दिमाग में उन चीजों को ला देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसके वजह से क्या होगा आपको पता है, आप प्रार्थना छोड़कर उन चीजों में अपना समय लगाना शुरू कर देंगे। आमीन। आज परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढ तुम मुझे ढूंढ। आमीन। नौकरी को मत ढूंढ, आमीन, काम को मत ढूंढ, बच्चा कैसे चलेगा ये मत ढूंढ, आमीन, परेशानी को मत ढूंढ, टेंशन को मत ढूंढ, तंगी को मत ढूंढ, डाउट को मत ढूंढ। तू किसको ढूंढ? तू मुझे ढूंढ। जब शैतान बोले तेरे को तेरे परिवार में कुछ गलत होने वाला है, उसको ना ढूंढ के तू घुटना टेक के दुआ करना शुरू कर दे। हालेलुया। तू कह सकता है अगली बार जब शैतान आए और अगर तूने अपने आदतों को बदल दिया और अपना दशमांश हर दिन दे रहा है, तो अगली बार जब शैतान तेरे को खटखटा के बोले तेरे बेटे को तेरी बेटी को कुछ होने वाला है, उसे देखकर बोलना सुन बे, 24 घंटे में से मैंने अपना दशमांश जिंदा परमेश्वर यहोवा को दे दिया है, बाकी समय अब मेरा खुदा देखेगा। आमीन। तब एक एक काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीहत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज क्या हो गया है, आमीन, लोगों को यह लगने लगा है वस्तुएं चंगाई लाती है। मैं लोगों को यह सिखाना चाहता हूं कि आपको कोई वस्तु की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ हर दिन खुदा की उपस्थिति में जाना है और अपने आप सारे बंधन जितने भी है एक एक करके टूटने लग जाएंगे। आमीन। बिकॉज खुदा आपसे वस्तु नहीं, खुदा आपसे समय चाहता है, खुदा आपसे समान नहीं, खुदा आपको चाहता है। इसके लिए दाऊद कहता है मैं पूरे शिद्दत से खुदा तुझे ढूंढता हूं, मैं पूरे दिल से खुदा तुझे ढूंढता हूं, जैसे हिरनी पानी में आमीन पानी को लेकर ढूंढती है, वैसे ही खुदा मैं तुझे ढूंढता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक हिरन को पता है इसे पानी जब चाहिए होता है ना, वो प्यास होती है ना, वो प्यास हमारे अंदर हर दिन खुदा के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप आराधना बिना खुदा के कर सकते हो, आप प्रचार भी बिना खुदा के कर सकते हो, लेकिन आप दुआ बिना खुदा के नहीं कर सकते। कौरबा बोलू मैं, आप प्रचार बिना खुदा के कर सकते हो, आराधना बिना खुदा के कर सकते हो, लेकिन आप दुआ बिना खुदा के नहीं कर सकते। और इसी के लिए शैतान ने हमारे लिए मुश्किल बनाया खुदा को ढूंढने के लिए, उसने ऐसा बना दिया कि हम खुदा को ढूंढ ही नहीं पा रहे। इस साल खुदा को ढूंढना है, इस साल खुदा के पीछे चलना है। वो बोलेगा नहीं जाना, उसे बोलना मैं जाऊंगा। आमीन। मैं तो जाऊंगा, साथ में अपने परिवार को भी लेकर आऊंगा। हालेलुया। इसके लिए अगर तुझे थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाना, अगर पूरा हफ्ता तुझे चुप रहना पड़े तो चुप रहना, अगर 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 तुझे उसको विश्वास में लाने के लिए आमीन तुझे थोड़ा सा गधे जैसा बनना है तो बन जाना, क्योंकि तुझे पता है तेरे झुकने में आमीन तेरा उठना है। इसके लिए सार झुक जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब से हम लाइव कर रहे हैं, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टेस्टिमनी पिछले 7 दिन का ये है, हमारी बिल्डिंग में मेरा एक बहुत अच्छा मित्र रहता है, बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है, आमीन, आमीन। और वो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन पिछले दिनों में उसने क्या किया, आमीन, उसने शायद लाइव देखा होगा और फिर उसने मेरे को एक लाइन भेजा, आमीन, कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर द कम्युनिटी, आप कुछ अलग कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ। उसने बोला मैंने कई सारे YouTube वीडियोस देखे, मैंने कुछ नहीं बोला।
सैटरडे को फ्राइडे को सुबह सुबह उसका कॉल आता है, कॉल आता है, मैं फोन उठाता हूँ, आई मीन कहाँ हो, कैसे हो, सब कुछ पूछने के बाद वो भाई, मैंने उससे आज तक प्रचार नहीं किया, मैंने आज तक उसे यीशु के बारे में बताया नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने एक ही चीज़ किया, आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड, उसके साथ एक दोस्ती रखा, अच्छा फ्रेंडशिप रखा, आई मीन फ्राइडे को वो कॉल करके मुझे कहता है कि मैं अपना एक नया घर मैंने ले लिया है, बहुत सुंदर घर मैंने ले लिया है, और जब बाद में पता लगा तो उसने घर भी हमारे सेकंड सर्विस में आने वाले सीजो का जो अपार्टमेंट है उसी अपार्टमेंट में उसने क्या किया है, घर लिया है। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, उसने बोला मैं चाहता हूँ कि आप आओ और मेरे घर पर दुआ करो और उसे ब्लेस करो और उसे आशीषित करो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैं महिमा को कह रहा था, अपनी वाइफ को कह रहा था इस प्रकार से, आमीन, मुझे ऐसे लगता है उस बिल्डिंग में आने का पहला कुछ लक्ष्य खुदा ने क्या है, आमीन, कर दिया है, क्योंकि क्योंकि कोई अन्य जाति कह रहा है आके एक बार क्या कर ले, एक नया वस्तु मेरे जीवन का सबसे बढ़िया चीज मैं लेने जा रहा हूँ, एक अपने लाइफ का सबसे खूबसूरत पूंजी मैं लेने जा रहा हूँ, हो सके तो एक बार आके तू क्या कर, दुआ करके जरा ब्लेस कर दे। आज खुदा क्या कह रहा है, झुकना है तो झुक जाओ, चुप रहना है तो चुप रहो, बोलना बंद कर दो और अपनी कोठरी के अंदर उठ के हर दिन दुआ करना शुरू कर दो, देख खुदा तेरे लिए क्या कर सकता है। He's gonna move in different direction. वो अलग अलग जगह में वो तेरे लिए घूमना शुरू कर देगा। Amen. क्योंकि हम जुबान इतना उपयोग करते कि परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। इस साल जब हम दशमांश खुदा को देना शुरू करेंगे, अपने आप हर चीज बंद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमने हमारे पास टेक्निकली कहा जाता है कि एक इंसान पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटा बात कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी, उससे ज्यादा वो बात लगातार नहीं कर सकता। तो मैंने कहा परमेश्वर तूने तो इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी दे दिया। मैंने कहा अगर मेरे कलीसिया के लोग, आईसीएम ऑनलाइन के सारे कलीसिया के लोग, आमीन, अगर 1.5 से 2 घंटा ही बात कर सकते हैं तो 2.5 घंटा अगर दे दे तो फिर और कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। सोचो तेरा घर कल से कितना आशीषित होने जा रहा है। आमीन। क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है, सारा कुछ उसको बोल दिया है, सब दे दिया है उसको, सब कह दिया है उसको। बच्चे आके आपसे पूछेंगे पापा क्या हो गया, आप बदल गए। मम्मी से आके पूछेंगे क्या हो गया, आजकल सुनाती नहीं हो। आमीन। माँ बाप आके बच्चों से पूछेंगे क्या हो गया बेटा, आजकल वापस नहीं बोलता है। आमीन। भाई बहन लड़ नहीं रहे हैं, क्या हो गया है। आमीन। फिर बोल सकते पापा थक गया क्योंकि जितना बोलना था। आमीन। मुझे बनाने वाले, कोक में रखने वाले, मुझे पालने वाले, मुझे चुनने वाले, मुझे सांस देने वाले, मेरे अंदर फल देने वाले, आमीन, यहोवा को मैंने कह दिया, अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ बदल जाता है जब हम खुदा को समय देना शुरू करते हैं। मैं कुछ लोगों को आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ बाइबल में से। और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इनकी हिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन मैंने बहुत टाइम लिया, बहुत इनका हिस्ट्री पता लगाने के लिए, क्योंकि बाइबल में कुछ चीज़ें हल्की फुल्की इधर अलग अलग जगहों पर दिया जाता है, तो इसके लिए आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पर क्या मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, 12 बोलेंगे मैं तो 14 बोलूंगा, आमीन, क्योंकि 12वां यूदस इस्कारियो था जो धोखा दे गया, 13वां मत्तायस था और 14वां प्रभु का दास पौलुस था। हालेलुया, आमीन। प्रभु का दास पौलुस भी एक यीशु का चेला है। हालेलुया। इसी के लिए पौलुस कुरिंथ को देख के कहता है, तुम लोग कहते हो कि मैं अपोस्टल नहीं हूं, मैं अपोस्टल हूं क्योंकि मैंने खुद यीशु को अपनी नंगी आंखों से देखा है, इसके लिए मैं अपोस्टल हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में विभिन्न लोगों के अंदर एक खासियत थी, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसी पे आएगा जिसे परमेश्वर की चाह है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की एक चाह है ना, तो खुदा आपको भरने के लिए तैयार है। खुदा देख रहा है आपके अंदर चाहत कितना है, He's seeing that. देख रहा है कितना डिजायर है आपके अंदर,
आमेन आपके अंदर कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना चाहते। अगर आप आप, आप अगर आप पत्रस के विषय में सीखोगे प्रेज लॉर्ड, तो बाइबल बताती है इस प्रकार से कि पत्रस एक गलीलियन था, गैलीली में रहने वाला गलीली था। और ये जो गलीली के लोग होते थे ना, ये बहुत क्या बोलते हैं रूड या बड़े क्या कहते हैं चौड़े टाइप लोग होते थे। ये किसी के सामने झुकते उकते नहीं थे। आमीन। ये बहुत ज्यादा वापस बोलने वाले लड़ाकू टाइप लोग, ये कहते अबे क्या, उनका वॉइस भी ऐसे ही हुआ करता था। और पत्रस एक पक्का गलील का व्यक्ति था। आमीन। ये और इसके एक और भाई था जो यूहन्ना बपतिस्मा के चेले थे। कौन थे? चेले थे। इनको कहीं से पता लगा? आमीन। किसके बारे में? यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पता लगा। आमीन। और इन्होंने निर्णय लिया कि हम दोनों कहेंगे, इसके भाई का नाम एंड्रू था। बोले एंड्रू था, एंड्रू था, अंद्रियोस उसके भाई का नाम था। बाइबल में कई जगहों पे अंद्रियोस के विषय में ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन आने वाले दो हफ्ते में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर को वो ढूंढने वाला व्यक्ति था। आमीन। तो ये परमेश्वर को वो पसंद करता था, लेकिन ये शादीशुदा था। इससे ज्यादा इसकी पत्नी परमेश्वर में ज्यादा टिकी हुई थी, स्ट्रॉन्ग थी इसकी पत्नी। आमीन। वो बाद में जब आप देखते हो, वचन पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि पत्रस उनमें से था जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद भी परमेश्वर की सेवकाई जोरों शोरों से की, और वो अपनी मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल क्यों रह पाया? क्योंकि उसकी बीवी एक प्रार्थना, दुआ और आराधना और परमेश्वर को ढूंढने वाली एक व्यक्ति थी। इसी के लिए पत्रस आशीषित हुआ। आमीन। आपके परिवार में एक दूसरे को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो आपका परिवार कभी बढ़ नहीं पाएगा। पति को पत्नी को सपोर्ट करना पड़ेगा, पत्नी को पति को सपोर्ट करना पड़ेगा, मां बाप को बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा, बच्चों को मां बाप को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो परिवार क्या नहीं करेगा? बढ़ नहीं सकता। तो इसके लिए पत्रस में पत्रस थोड़ा लड़ाकू टाइप मेहनती था, मछुआरा था, मच्छी पकड़ने का काम करता था। उसे मच्छी पकड़ने का काम करता था और अच्छा मछुआरा था। ऐसा नहीं था कि नॉर्मल मछुआरा हो, बढ़िया तरीके से मच्छी पकड़ता था, सुबह जाता था, शाम को आता था। इसका भाई अंद्रियोस इससे भी ज्यादा धर्मी था, और इसका भाई अंद्रियोस यूहन्ना बपतिस्मा का डट के रहने वाला चेला था। तो अंद्रियोस की वजह से पत्रस भी क्या करता था? आराधना में जाया करता था, दुआ करता था। पत्नी की वजह से भी क्या करता था? दुआ करता था। इस साल अपने आप के लेफ्ट और राइट में दो दुआ करने वाले लोगों को रख लो। नहीं समझ आए? आमीन। अपने लेफ्ट और राइट में अगर आपके दोस्त हैं, तो दुआ करने वाले दो दोस्तों को अपने लेफ्ट और राइट में रख लो, ताकि इधर भी जाओ तो भी दुआई करो और इधर भी जाओ तो भी दुआई करो। आमीन। बतियाने वाले लोगों को बंद कर, आमीन, दुआ करने वाले लोगों के पास जाकर आमीन आमीन उनके साथ समय बिताओ। हालेलुया। कई सारे प्रेयर मीटिंग शुरू होते हैं, लेकिन वो खत्म क्यों जाते हैं? बताएं, लेडीज मीटिंग, मेंस मीटिंग खत्म क्यों जाते? क्योंकि वहां प्रार्थना कम और बातें ज्यादा होती है। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना से पहले दो घंटा बात होगा, आधा घंटा दुआ, चाय पिए चले गए। हालेलुया। तब भी चार जने थे, अब भी चार जने, कभी नहीं बढ़ पा रहे, कैसे बढ़ेगा? बात करने से तो समय हटाना, दुआ करने के लिए आया है। हालेलुया। अगर दुआ के लिए आए हो, तो तेरा पहला शब्द दुआ के लिए होना चाहिए, तेरा खत्म दुआ से होना चाहिए। इसी के लिए जब हम चर्च में हर दिन दुआ करते हैं, आमीन, हमारा सिंपल है, हमारे पास बात नहीं करते हम लोग, हम सीधा क्या करते हैं? किताब खोलते हैं, जितना प्रेयर है उतना प्रेयर शिद्दत के साथ तब तक करते रहते जब तक वो पूरा ना हो, कोई और बात नहीं है। आप अपने आप को सराउंड करना चाहते हो, अपने आप को प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ क्या करो? आमीन, सराउंड करो, क्योंकि यहां से भी जब आप कुछ मदद मांगोगे तो वो क्या कहेंगे? दुआ कर लो। और फिर तो अपनी परेशानी जब इन्हें भी बताओगे तो वो कहेंगे दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो। आमीन। हालेलुया। एक अच्छा दुआ करने वाला व्यक्ति आपको सोल्यूशन नहीं देगा, आपको खुदा देगा। एक अच्छा दुआ करने वाला व्यक्ति आपको सोल्यूशन नहीं देगा, वो आपको खुदा देगा। वो कहेगा खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं, खुदा कार्य करेगा, अपने आप खुदा क्या करेगा? हमारे लिए कार्य करेगा। आपके लिए कोई और दुआ करने से बढ़िया है आप खुदा के सामने खुद जाकर क्या करो? आमीन। आप दुआ करो।
पत्रस को एक बात समझ आ गया, मेरे बीवी भी प्रार्थना करने वाली, मेरा भाई भी प्रार्थना करने वाला, लेकिन पत्रस के जीवन में कुछ कर्ज हो गए थे। इस कर्ज के वजह से, कर्ज क्या था, चुंगी देना था उसे, चुंगी देने के लिए उसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। आमीन, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने एक रात को निर्णय लिया, एक काम करता हूं मैं, आमीन, पूरी रात, आमीन, क्योंकि उसे अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि अगर मैं काम करूंगा पूरी रात तो अगले दिन का पैसा और चुंगी मैं क्या करूंगा, आमीन, चुका दूंगा। हम में से कुछ लोगों के अंदर एक घमंड है, आमीन, कि अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा। खुदा कहता है तुझे तोड़ूंगा, तेरा मैं हटा दूंगा, आमीन, और फिर दिखाता हूं तू कुछ नहीं है। Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! अभी मैं चाहकर भी, अभी लाइव चल रहा है ना? Praise the Lord! अभी मैं बोलूं मुझे प्रथम जैसे की जरूरत नहीं है, जॉन की जरूरत नहीं है, अभिनव की जरूरत नहीं है, एबी की जरूरत नहीं है, रॉनी की जरूरत, अहंकार होगा मेरा ये सोचना कि मैं अकेले इन चीजों को। अगर मैं कह दूं मुझे दुआ के लिए नवजोत की जरूरत नहीं है, नथानियल की जरूरत नहीं है, आमीन, जय किशन की जरूरत नहीं है, शेरा की जरूरत नहीं है, अहंकार होगा मेरा अगर मैं ये सोचने लग गया कि कलीसिया सिर्फ मेरे दुआ से बढ़ सकती है, अहंकार होगा मेरा। क्योंकि यीशु को भी पता था एक चेला चुनने से कलीसिया का स्थापना नहीं हो सकता, 12 का एक साथ चुनने से ही एक स्थापना हो सकता है। हालेलुया! जब आदमी को यह लगने लगता है वो अकेले में कर सकता है, वो उसका अहंकार है और वहीं उसका गिरना निश्चय है। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको चार लोग दिए हो और आपके अगल में और बगल में बढ़िया दो तीन चार बच्चे दिए हो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, और आपको एक अच्छी पत्नी और एक अच्छा पति और एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा भाई और एक अच्छा बहन दिया हो, तो आमीन, आपका अहंकार हटकर आपको बोलना चाहिए, अगर खुदा ने दिया है इसका मतलब, आमीन, खुदा मुझे नहीं, हाँ मैं उठाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया! तो पत्रस को अहंकार था कि रात को जाके खुद मछली पकड़ लूंगा तो क्या कर दूंगा मैं, कर्जा में उतार दूंगा, घमंड था उसका कि कर सकता हूं। तो उसने क्या किया, अपना नाम लिया, अपना जाला लिया, प्रेज द लॉर्ड, और कहां पे गया आपको पता है, समुद्र के बीचों बीच गया, क्योंकि क्योंकि नियम के अनुसार एक मछुआरे को पता है बीचों बीच क्या मिलेगा, ज्यादा मछली मिलेगा, इसके लिए रिस्क लेकर रात को तूफान के बीच में ही सही, आई मीन, रात को अंधकार में जाकर उसने मछली पकड़ने की कोशिश की, अकेले नहीं गया, उसने कहा मेरे दो और बढ़िया दोस्त है, तो उसने जेम्स और जॉन, बोलिए जेम्स और जॉन, आमीन, ये दोनों जेबेदी, हम देखेंगे अगर समय मिलेगा आज नहीं तो अगले हफ्ते देखेंगे, जेम्स और जॉन जेबेदी के बच्चे थे, वो भी दोनों बढ़िया मछुआरे थे, उन दोनों को देखकर बोला एक काम कर तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ, हम रात को क्या करेंगे, ज्यादा मछली पकड़ लेंगे। हालेलुया, आमीन। कभी कभी तो कुछ काम करता है और वो बढ़ता नहीं है, उसके पीछे शैतान का काम नहीं है, कभी कभी खुदा ही रोक रहे। हालेलुया! कभी कभी खुदाई हर चीज में, मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोसा हुआ व्यक्ति कौन है आपको पता है, शैतान है। क्योंकि कभी कभी शैतान ने कुछ किया ही नहीं है, कर शायद परमेश्वर रहा होगा, आमीन, लेकिन हम किसके ऊपर गोली मार रहे हैं, बेचारा शैतान सोच रहा होगा, लो ये मेरे, मैंने नहीं किया, मुझे क्यों कोसा, बेचारा अलग से ही बॉम्ब खा रहा होगा वहां पे, आमीन, मैं नहीं हूं, हेलो, मुझे मत मारो, आमीन, हालेलुया। परेशान होगा बेचारा, क्योंकि पत्रस जब गया, पत्रस को यह नहीं पता था उस रात को उसको मछली नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उस रात के बाद अगली सुबह मछली से बढ़कर एक व्यक्ति उससे मिलने वाला है जो उसके जीवन को बदलने वाला, ये उसको रात को नहीं पता, उसे नहीं पता रात को मछली नहीं। कभी कभी तू मेहनत कर कर अगर तुझे फल ना मिले तो याद रखना अगली सुबह कोई तेरा इंतजार कर रहा है तेरे जीवन में कुछ बदलने के लिए। Praise the Lord! और नहीं पता था पत्रस को, पत्रस को लगा यार मैं तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन क्या हो रहा, सब पत्रस अगली सुबह तेरी चुंगी हटाने वाला, तेरा कर्ज हटाने वाला, तेरे जीवन में आने वाला है, इसके लिए घबरा मत,
पर हाँ भाई साहब अभी भी घमंड में थे, पूरी रात उन्होंने मेहनत की। एक मछली नहीं मिली, एक, मुझे वो सबसे सुंदर लगा, क्योंकि मछुआरा जब जाता है मछली पकड़ने तो कम से कम 10 पीस तो लेके आता है, और ये तो प्रो था, समुंदर के बीचों बीच गया था, लेकिन तब भी उसे क्या नहीं मिला। अरे पतरस तू बीच में चले जा, तू उस नैया को पार करके दूसरी औरत, तेरे को एक नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरे दिन खुदा ने खुद मछलियों को क्या किया था, बनाया था, तो तू कहां से पकड़ लेगा बे, तू नहीं पकड़ पाएगा। आमेन। समुंदर को संभाल, परमेश्वर ने पता नहीं क्या किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सारी मछलियों को बोला होगा आज रेस्ट लो, टेक रेस्ट, आज ऊपर आना ही मत, क्योंकि आ रहा है एक मूर्ख अपने दम से क्या पकड़ने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए, इन्हें नहीं पता कि मैं ही मछली का सोर्स हूं। क्योंकि पतरस तो पानी में जाके मछली पकड़ रहा था, खुदा को तो पानी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुदा ने तो बता, हाथ उठाया, मरी हुई मछली पककर बेड उसके अंदर आ गई। याद है कि नहीं है? नहीं याद है? यीशु मसीह ने 2 रोटी 5 रोटी और 2 मछली उठाई और बोला परमेश्वर इसे आज आप देखे कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आपको पता चमत्कार कितना तेज हुआ? वो आमीन लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड में आया। आमीन जितनी मछलियां पानी में थी मछली वहां पे मरी, क्या तो किसी ने पकड़ा होगा, फिर मछली मारा होगा, फिर मछली रोस्ट किया होगा, फिर उसे पक्षे में डाला होगा और फिर बोला होगा दे 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 दे, आज तुझे जो लग रहा है ना आधा घंटा 1 घंटा 4 दिन 4 महीना 1 साल लगेगा, जिस दिन खुदा ने तुझे उठा लिया उस दिन इतना तेजी से काम होगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। आमेन। तो हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया और नहीं बना हो, तो इसके लिए निराश मत होना, जो मूर्ख है वो तो बहुत कुछ बोलते रहेंगे तेरा नहीं बना, क्योंकि कहीं और खुदा तेरा इंतजार कर रहा है, और जिस दिन खुदा आएगा उस दिन तेरे लिए जो कार्य होंगे तू सोच ले। आमेन। मिनट के अंदर हर चीज तेरे लिए बदल जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। हालेलुया। आमेन। राहुल तेरे को पता है मैं पिछले दिनों में एक बच्ची के लिए प्रेयर कर रहा हूं, उसने आइल्स 5 बार लिखा है, 5 बार, और उसने मेरे को मैसेज किया। आमीन। उसने मेरे को मैसेज किया, पास्टर आई हैव नो होप दैट आई विल एवर क्लियर दिस, माय फैमिली हैज सो मच डेट that if I don't get through this, suicide is the only option for me. क्योंकि पढ़ाई के लिए उसने कर्ज लिया, घर पे सब कुछ खत्म हो गया, चीजें जब्त होने को आ गई, तो उसने कहा कि सुइसाइड के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन है। पहली बार जब बात किया तो हमने बोला परमेश्वर करेगा, तो उसके अंदर कहीं से कहीं लगने लगा कि ये पास्टर भी ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा इस बार आप एक काम करना, पास्टर पे भरोसा मत करना, खुदा पे करना, क्योंकि उन्होंने एक लाइन लिखा था, मैं कई जगह पे जाकर प्रेयर करके आई हूं। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है आप कई पास्टरों के पास जाके प्रेयर करके आए हो, खुदा के पास नहीं। आप ऐसे में आ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन खुदा को ढूंढने आना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इधर के एटमॉस्फेयर को, इधर के वचन को लेकर नहीं, आमीन, खुदा को ढूंढने आओगे तो हर कलीसिया में आपको क्या करेगा, उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। खुदा के साथ ढूंढने के लिए आना। आमीन। 5 times जब मैं ये कर रहा था, आमीन, जब ये अभी रिसेंटली उसका टेस्टिमनी आया तो मुझे जल्दी से तू याद आ गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब उसका मैसेज आया तो इतना लंबा चौड़ा भयंकर वाला बड़ा मैसेज आया। आमीन। और मैंने वो मैसेज भी 1 या 2 दिन बाद जाके देखा, और मुझे ऐसे पिंग हो रहा था बार बार, क्योंकि लेकिन मेरी बेबी पैदा हुई थी तो मेरे पास मैसेजेस भी बहुत सारे थे, तो मैंने कहा पहले मैं अपने चर्च के लोगों का देखता हूँ, तो जल्दी उनका देख के मैंने कुछ मिस आउट कर दिया। पिछले दिनों में प्रेज द लॉर्ड कुछ मैसेजेस का रिप्लाई वापस कर रहा था। आमीन। एक लंबा चौड़ा मैसेज, उसके ऊपर आमीन उसने एक टाइटल दिया है, टाइटल था गॉड हैज डन अ मिरेकल, परमेश्वर ने एक अद्भुत काम कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। 6ठी बार आमीन जब लिखा गया खुदा ने उसके लिए क्या है, एक अद्भुत काम कर दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, 5 बार आप हारे होंगे, 4 बार आप हारे होंगे, 10 बार आप हारे होंगे, लेकिन तेरा हार तेरा अंत नहीं है। खुदा कहता है इसके बाद भी तेरे लिए कोई खड़ा है जो तुझे एक विजय देने के लिए शक्त रूप से तैयार है। क्या विश्वास करते हैं ये साल तेरे
कोई खड़ा है, वो असंभव को संभव बनाने के लिए तेरे लिए कोई खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आपके लिए कुछ खुदा करने जा रहा है? अपनी निराशा को हटा दीजिए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि ये साल हम कुछ विवाह को करने जा रहे हैं। हालेलुया। जिनकी शादियां नहीं हो रही इस साल होगा। आमीन भी किसने बोला बताया आपको? जिसकी शादी हो के चार पांच बच्चे, आशा सिस्टर ने बोला देखो उसके अंदर विश्वास है तेरी शादी हो जाएगी, तेरे अंदर ज्यादा होना चाहिए कि तेरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कुछ रास्तों को, जरियों को दिल्ली शहर में हमारे लिए खोलने जा रहा है। आमीन। इसी के लिए मैं इतना भावुक हूं कि आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप गलत जगह पे नहीं हो, आप सही जगह पे सही समय पे हमारे साथ जुड़े हो। हमें पता है इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं पिछले दिनों में तूने दुआ किया, सुबह आया और उसका उत्तर देने के लिए खुदा ने 2022 तेरे को हमारे साथ जोड़ा, क्योंकि खुदा जानता है कहीं ना कहीं तेरा भलाई और मेरा भलाई जुड़ा हुआ है। खुदा जानता है, ही नोज़ इट। हालेलुया। क्योंकि ये साल फेवर का साल है, ये साल फेवर का साल है। और अगर फेवर तभी मिलेगा जब आप समय खुदा की उपस्थिति में बिताओगे। आमीन। आप खुदा के सामने समय बिताओगे, खुदा भी आपके साथ समय बिताएगा। बाबा वो भी तो फेवर दे रहा है ना, तू जहां जाएगा मैं नहीं जानता जनवरी महीने में किस पोजीशन में तू है, कहां पे तेरा बिजनेस है, कहां पे तेरा लाइफ है, मैं इतना जरूर जानता हूं। आमीन। 2022 अगर खुदा ने तेरे को आयु, आमीन, और खुदा वापस नहीं आया दिसंबर से पहले, तेरे पास कुछ अद्भुत गवाही और होगा कि मेरे खुदा ने कुछ विस्तार में मेरे लिए कुछ कार्य को किया है, अपने फेवर को डालकर खुदा ने मुझे बचा के रखा है। पत्रस अपनी तंगी को लेके परेशान था, पूरी रात उसे मछली नहीं मिली। परेशान पत्रस ने किया कि आपको पता है, अगले दिन सुबह हुआ तो परेशान है, क्योंकि उस दिन सुबह उसको क्या देना था? चुंगी देना था। अगर वो चुंगी नहीं देगा तो उसका नाव जब्त कर दिया जाएगा, उसका घर जब्त कर दिया जाएगा, तो इसके लिए उसे चुंगी देना था। जोसेफस की किताब थियोलॉजियंस ये बोलते हैं कि उस दिन सुबह आमीन पत्रस के नीचे से आग थी, वो पानी में तो था लेकिन वो आग में था, क्योंकि उसके उसके अंदर भय इतना बढ़ गया था कि अगर मैंने ये कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरा बदनामी कर देंगे, वो मुझे ले जाएंगे, वो मेरा सब कुछ जब्त कर लेंगे, मेरे खाना कहां से आएगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा, उसे नहीं पता था। आमीन। लेकिन उस दिन पत्रस बिल्कुल सही जगह पे था, क्योंकि अंद्रियोस उसके पास आकर इस प्रकार से कहता है, पत्रस कोई आया हुआ है, और देख तुझ वहां पर, देख वहां पे एक दुआ चल रही है। वहां पे क्या चल रहा है? एक दुआ, बोले ना मेरे साथ, वहां पे क्या चल रहा है? एक दुआ चल रही है। पत्रस ने अपनी आंखों को उठाया तो देखा कि एक आदमी नाजरीन है, देखकर ही पता लग जाता है, क्योंकि लंबे बाल है और दाढ़ी है, उसके वस्त्र से पता लग जाता है कि ये नाजरत से आया हुआ कोई व्यक्ति है। आमीन। वो खड़ा होकर, आमीन, कुछ लोगों के सामने, ज्यादा भीड़ नहीं थी, शायद 18-20 लोग थे, आमीन, उनके सामने वचन बांट कर दुआ कर रहा है। पत्रस ने मुंडी घुमाया और बोला, ये कौन है यार? 30 साल का जवान सा एक व्यक्ति, आमीन, देखने में पतला सा कारपेंटर, कौन है ये यार? आमीन। अभी है ना, एक तरफ तो उसे ये व्यक्ति दिख रहा है जो नाजरत से है, तो दूसरी ओर उसका दिमाग कह रहा है कि तू आज कर्ज में डूब कर खत्म हो जाएगा। एक बार तो उसका मन कर रहा है दुआ में मैं चले जाऊं, आमीन, लेकिन दूसरी ओर शैतान कह रहा है इधर ही टिका रहे, इसी कर्ज की अवस्था में रह, समय मत व्यतीत कर, कोई और रास्ता ढूंढ ले। लेकिन आमीन, क्योंकि खुदा आमीन हमसे इतना प्रेम करता है, और पत्रस से भी करता था, खुदा को पता था पत्रस मेरी ओर नहीं आएगा तो मैं पत्रस की ओर कदम बढ़ा लेता हूं। खुदा खुद जाकर पत्रस की ओर बढ़कर कहता है, पत्रस शिमोन, क्या मैं तेरे नाव को उपयोग कर लूं? जो नाव जो किसी काम का नहीं है, जो नाव जब्त होने वाला है, जो नाव रोमी ले जा रहे हैं, इस नाव को मुझे दे दे, इसके ऊपर खड़े होकर
जानना चाहता हूं, मैं नहीं जानता उससे क्या हुआ, कुछ तो बदला शिमोन के अंदर। शिमोन ने कहा ले ये नाव ले ले, इस पे खड़े होके तू प्रचार कर ले, ये नाव ले ले। आमीन। जब आप खुदा को ढूंढने पे हो तो खुदा को आप सब दे देते हो, वो भी जो जब्त होने वाला है, वो भी जो बेकार है, वो भी जो अच्छा नहीं है, वो भी जो शून्य है, आप खुदा को उठा के उसे क्या करते हो, दे देते हो। बोला मेरे लिए तो असंभव है, पर क्या पता तेरे कदम रखने से, तेरे हाथ छूने से, तेरे अंदर आने से कुछ बदल जाए। यीशु खड़ा हुआ, यीशु ने देखा, यीशु ने प्रचार किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु देखना चाहता था ये कितनी देर अपना नाम मुझे दे सकता है। क्योंकि हम में से कुछ लोग खुदा के पास आते हैं क्योंकि हमें फास्ट फूड की आदत हो गई है, हुई है कि नहीं है भैया? ऑलमोस्ट देना, एक मिनट बाद फिर। भैया यार इतना टाइम हो गया है, कहाँ पे? अबे तेरे घर पे। इतना जल्दी खाना मिलता नहीं, फास्ट फूड हो गया। खुदा के पास भी आजकल हम ऐसे आते। बोला शिव कुमार मैं तो आ गया यार, 4 हफ्ते हो गए 6 हफ्ते हो गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। फास्ट फूड नहीं है, कितनी देर तक ना हो देगा उतना परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करेगा। क्योंकि फास्ट फूड की आदत है। मैं परमेश्वर ने कहा मैं देखना चाहता हूं ये कितनी देर मुझे अपनी नाव दे सकता है। और उसका मिरेकल आपको पता है उसका अद्भुत काम कब हुआ? जब खुदा खड़े होकर प्रचार कर रहा था और जब तक खुदा ने अपना काम खत्म नहीं किया और जब तक खुदा का समय पूरा नहीं हुआ तब तक एक बार उसने मुंह उठाकर ये नहीं सवाल पूछा, मुझे अपना नाम वापस चाहिए। आमीन। वहां पे उसका छुटकारा हुआ है। आज तूने खुदा को कुछ दिया है, अपना समय, अपना शरीर, अपना आराधना, अपना वचन। आमीन। और हो सकता है दूसरों के हिसाब से समय बहुत हो गया है, लेकिन बाकी लोगों के बोलने के बाद भी तू चुपचाप खड़ा हुआ है और तू कह रहा कोई बात नहीं। आमीन। समय लग रहा है, लगने दो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी उस नाव में आमीन जो खड़ा है वो समय को बदल कर मेरे लिए अद्भुत काम कर सकता है। इसके लिए मैं तैयार हूं देने के लिए। तो परमेश्वर अगर आपको कहीं टिका के रख रहा तो टिक जाओ, क्योंकि खुदा उसके अंदर है। कार्य किया, एवरीथिंग इज डन। परमेश्वर ने कहा अब चलो, नाव पानी में ले जाते हैं, नाव पानी में। पतरस ने, ठीक, पतरस ने थोड़ा जवाब दे दिया। पतरस को लगा ये नाजरत से आने वाला एक मामूली सा लड़का है, कि 30 साल का है, जवान एक लड़का ही था यीशु मसीह, और ज्यादा कुछ नहीं था। आमीन। यंग मैन। तो उसे देख के बोला कि बुरा मत मानना, सुना है आप प्रचार विचार करते हो, आमीन, लेकिन बुरा मत मानना, मैं प्रोफेशनल मछुआरा आमीन, है ना? ये तो वो वाली बात हो गई कि है ना, यीशु मसीह आया और नवजोत को बोला, मेरा कोई बंदा आया, मैं आया, नवजोत को बोला नवजोत दे चाकू मैं काटता हूं। नवजोत बोला पास्टर जी बुरा मत मानना आमीन, 4 साल 5 साल पढ़ाई करके, आमीन 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस लेकर, आमीन, मैंने ये चाकू पकड़ा, आप पकड़ोगे तो शायद बंदा बचेगा ही नहीं। आमीन। तो इसके लिए है ना, हम सब यही तो है ना, खुदा को समझाने चलते हैं। आमीन। कि हमें पता है ज्यादा, आपको क्या पता। आमीन। तो उसने भी कहा आपको क्या पता, हम तो मछली पूरी रात मेहनत की है, प्रोफेशनल मछुआरा हूं, सबसे पूछ लो, मेरे से बढ़िया मच्छी पकड़ने वाला गलीली में और कोई नहीं है। परमेश्वर ने कहा चले। हालेलुया। तेरा तर्क, तेरा शब्द, तेरा आमीन, परमेश्वर के सामने कहा गया हर एक शब्द की तुलना कुछ नहीं है। जब खुदा कहता है चले तो मान लेना कि चलने का समय आ गया है। आमीन। तेरा चुप रहना ही तेरा भलाई है। जब खुदा तुझे बोले चले, चल मेरे साथ। पतरस को दूसरी बार समझ आ गया कि इससे बात करके फायदा नहीं है। उसने अपना जाल उठाया, नाव के अंदर गुस्से में ही डाला होगा, और पहली बात तो जाल मछली पकड़ने के लायक भी नहीं थी, वो अगला चीज आप, क्योंकि पूरी रात इसने क्या किया, पानी में डाला, तो ये जाल के बीच में छोटी छोटी चीजों को भी डालते थे, है ना, ताकि मछली पकड़े। वो सब उस रात को क्या किया गया होगा, चला गया होगा,
तो उसने कहा भाई इसमें तो इस जाल में भी कुछ जाल नहीं है, अमेन, तो कहां से मछली फंसेगी, क्यों मछली आएगी। इसने गुस्से में शायद डाल दिया, नाव के अंदर बैठ गया। यीशु ने कहा थोड़ा आगे ले जाओ, जरा सा आगे गया। यीशु ने बोला बस इतना काफी है। बोला हम तो अभी अंदर भी नहीं आए, आप कह रहे हो बस, क्या मजाक उड़ा रहे हो। यीशु कहता है बस, आमीन, जो तुझे बीच समुद्र में नहीं मिल सकता वो मेरे जुबान से कहने से समुद्र के किनारे में अपने आप आएगा। पतरस, तेरे को नहीं पता तू किससे बात कर रहा है। पतरस ने कहा चलो ठीक है, चलो अच्छा हुआ अंदर ज्यादा लेके नहीं गया, नहीं तो वहां पे जाल डाल के मेरा समय पर बात करके वापस आना पड़ता। अच्छा हुआ ये तो यही पे बोल रहा है। उसने जाल उठाया, पानी में डाला और यीशु को देख के बोला अच्छा अभी देखते क्या करेगा तू। हालेलुया। ऐसे ही है ना हमारे कुछ लोग, जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कुछ लोग हमें देख के यही बोलते हैं अभी देखेंगे तेरा परमेश्वर क्या करेगा। अबे तुझे नहीं पता हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, समय आने दे वो दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो वो बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक हम नाव में हैं, लेकिन एक दिन तेरे लिए परमेश्वर जाल नीचे डालेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन परमेश्वर तेरे लिए जाल पानी में डाल दे, उस दिन समझ जाना, आमीन, तेरे हर दुआ, तेरे हर कुप्पी का आंसू, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक एक करके उत्तर देने का निर्णय कर लिया है। उसने जाल उठा के डाला और पतरस को देखकर बोला पतरस जाल को जरा संभाल ले। थोड़े देर में उसे लगा उसका जाल एक तरफ वो क्या है झुक रहा है। उसने बोला ये क्या हुआ, उसने पकड़ा नहीं संभल रहा, आवाज उठाया ए जेम्स ए जॉन जल्दी से आओ, मेरे से संभाला नहीं जा रहा, किनारे पे मुझे आमीन मछली मिल गई है। उसने उठाया जितना उसे कभी जिंदगी में नहीं मिला, उससे चार गुना ज्यादा परमेश्वर ने उसे उस दिन दे दिया। परमेश्वर ने कहा बस इतना ही, दोस्तों को बोल उनका भी जाल ले आए। जेम्स और जॉन भी अपना जाल ले आते हैं, जेबेदी भी आता है, आमेन, अपने बोट को लगाता है उसी किनारे में। बोला जाल डाल, उसने जाल उठाया, उसने डाला, उसका भी भर गया। आज मैं आपको क्या कह रहा हूं, तेरे घर में अगर एक व्यक्ति खुदा को मानने के लिए तैयार है तो एक समय आएगा जब तेरा जाल भरेगा। तू जाल उठाना और उसे बोलना आजा आजा आजा, सबका जाल खुदा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो अपने परिवार में आज भी खुदा में टिके हुए हैं, परमेश्वर के वचन में टिके हुए हैं, आप सौभाग्य लोग हैं। हाँ आपने दुख सहा है, आप दर्द सह रहे हैं, आपने कठिनाई सही है, लेकिन मैं आज आपको इनकरेज करता हूं, एक दिन आएगा आमीन जब खुदा तेरे वजह से आमीन तेरे चारों परिवारों को आशीषित करेगा। आमीन, तेरा परिवार एक दिन तेरा मूल्य जानेगा, तेरा परिवार एक दिन आनंदित होगा, वो कहेगा धन्य है बहन तू, धन्य है भाई तू, तेरे वजह से हमारे घर में उद्धार आया है, धन्य है धन्य है धन्य है। आज वही खुदा प्रेज़ द लॉर्ड आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। उसके बाद खत्म कर दो, उसके बाद ऐसा एक समय आया प्रियो जब एक और बार पतरस पानी में गया, बड़ा तूफान आया, घबरा गए लोग, सारे शिष्य घबरा गए। ने बोला बाप रे आज मरने वाले, सबने चिल्लाया भूत है भूत है भूत है भूत है भूत है, सबको लगा आज तो निर्णय खत्म है कि आज हमारा मृत्यु है। ध्यान से देखा तो वहां से कुछ घंटे पहले सुनी हुई एक आवाज, यीशु मसीह की आवाज कहती है ये मैं हूं, घबराओ मत डरो मत। नाव में एक साल पहले क्या हुआ जानने वाला पतरस, मछली को आमीन लाने वाला यीशु के बारे में जानने वाला पतरस, आमीन, उसके तंगी को हटाकर, उसकी चुंगी को हटाकर, उसके कर्ज में से उसे मुक्ति देने वाला जानने वाला पतरस, यीशु को जब पानी में चलते हुए देखता है तो उसे एक साल पुराना आमीन वो कार्य याद आता है। एक ऐसा भी समय था जब हम नाव के ऊपर मैं और यीशु थे और इतना मछली पकड़ा जो किसी और ने नहीं पकड़ा, आमीन, तो वो कहता है अचानक
उसका दिल कहता है अगर नाव में मैं यीशु के साथ रह सकता हूं तो मैं पानी में भी यीशु के साथ रह सकता हूं। आपको पता है वो क्या करता है? वो यीशु को कहता है, यीशु उस दिन तूने मुझे बुलाया, आज मैं खुद आना चाहता हूं। उस दिन तूने मुझे अपना नाम से बुलाया, आज मैं खुद तेरे पास आना चाहता हूं। और वो उतर गया और उसने कहा खुदा मैं चलना चाहता हूं। और उसका चलना इसके लिए संभव हुआ क्योंकि वो खुदा को ढूंढने वाला व्यक्ति था, वो जानता था यीशु कौन है। आज जिस परिस्थितियों से आप डर रहे हो, एक साल बाद जब वो परिस्थिति आपके सामने फिर से आएगी आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है पिछली बार कौन जीता था। हालेलुया। जो भी आज कठिनाई देख रहे हो, अगली बार शैतान को इससे बड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बारी तूने विजय प्राप्त कर लिया है, इसके लिए अगली बार ज्यादा बड़ा लेके आना पड़ेगा। आमेन। इसके लिए अगली बार जो भी आने वाला है, आमेन, तू घबरा के दूर मत रहियो, तू पहले ही कहियो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं खुद ही कदम रख रहा हूं। शैतान तुझे लगता है आमेन मैं डर जाऊंगा, नहीं, इस बार मैं खुद कदम रखता हूं। तुझे लगता है मैं भाग जाऊंगा, इस बार मैं खुद कदम रखता, तुझे लगता है मैं दुआ नहीं करूंगा, इस बार मैं खुद कदम रखता हूं। और आपको ये लाइन देख के बस मैं यहां से भेजना चाहता हूं, पतरस जब फिर पानी में उतरा तो पतरस यीशु मसीह को कह रहा था, आई एम सर्टन, मैं जानता हूं, आई एम सर्टन, मैं जानता हूं। हम इसे कितने लोग ये जानते हैं कि खुदा अभी भी मेरे साथ है, आई एम सर्टन। हल्का सा चुंगी देखकर परेशान होने वाला पत्रस कहता है आई एम सर्टन। पैर उसके कपाए नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हाथ उसका ठंडा नहीं हुआ, तूफान को देखकर वो घबराया नहीं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, उसका भरोसा उस नाव पे नहीं था, क्योंकि उसे पता था, वो जानता था कि सामने कौन खड़ा है, उसे पता था हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, उसे पता था कौन मुझे संभाल रहा है, उसे पता था कौन मुझे देख रहा है, उसे पता था किसका हाथ मेरी ओर आ रहा है, उसे पता था कौन मेरे सामने पानी पे चल के आ रहा है, उसे पता है मछली के ऊपर अधिकार रखने वाला, आमेन, समुंदर के ऊपर अधिकार रखने वाला, लहरों को थमाने वाला अगर मेरे सामने खड़ा है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आई एम सर्टन, मुझे डर नहीं है, मुझे पता है कौन मेरे सामने खड़ा है, आई नो हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। काश आपको इस साल आपके दुआ में यह विश्वास हो कि कौन आपके साथ खड़ा है, काश इस साल आपकी आराधना में आपको यह एहसास हो कौन आपके सामने खड़ा है, आमेन, इस साल, आमेन, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके अंदर एक विश्वास हो कौन आपके साथ खड़ा हुआ है, जब आपके परिवार में कोई विश्वास में नहीं है आपके अंदर यह विश्वास हो कौन आपके साथ खड़ा हुआ है, आज आप नौकरी पे जा रहे हो कौन मेरे साथ खड़ा हुआ है, मृत्यु का आमेन आवाज जब बुलाए तो तुझे पता हो कौन तेरे साथ खड़ा हुआ है, यू शुड बी सर्टेन दैट जीसस इज स्टैंडिंग फॉर मी, मैं जानता हूं खुदा, मैं जानता हूं तू है, मैं जानता हूं तू है, मैं जानता हूं तू है। और जब आप जान के दुआ करोगे तो आपका उत्तर भी उतना ही जल्दी आपको मिले। विश्वास से किया हुआ प्रार्थना जल्द उत्तरों को लेकर आता है। हालेलुया। इस साल परमेश्वर आपको बता रहे, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आई एम देयर। और बस खुदा इतना ही चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि वो है, कि वो है, आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर। परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा शिष्य को,
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कोई छोड़कर जा रहा हूं जो मेरे से भी बढ़कर है, जिसका आना तेरे जीवन को बदल देगा। आमीन। जो तेरे जीवनों में अद्भुत कार्य को ले आएगा, और परमेश्वर ने कहा उसका आना तुझे पता लग जाएगा। आज मसीह लोग सब कोशिश कर रहे हैं अकेले में, जबकि उन्हें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कोई और दे दिया है। मसीह जीवन कोशिश का जीवन नहीं है, मसीह जीवन पावर का जीवन है। समझ आए कि नहीं है? नहीं आए? पहले जमाने में जब हम कुछ पीसते थे, है ना, मैं देखता था पहले जमाने में जब हम कुछ पीसते थे तो वो पत्थर लेके, है ना, ना मम्मी भी ऐसे करते, पत्थर लेके काफी टाइम लगता था, क्या करना, कूटते रहो कूटते रहो, फिर ऐसे कूटेगा नहीं तो फिर, है ना, कूटते रहो, क्यों, क्योंकि उसे पूरा पिसना था, बहुत टाइम क्या करता था, निकल जाता था, बहुत टाइम निकल जाता, कूटते रहे कूटते रहे कूटते, मैं भी देखता था कूटते रहते थे, मम्मी मेहनत करती रहती थी, मेहनत करती रहती थी, मेहनत करती रहती थी, कूटते रहते थे, कूटते रहते थे। फिर एक दिन मैंने देखा अचानक, फिर मैंने एक दिन देखा अचानक कुछ बदला, तो छोटे थे हमें इतना पता नहीं था, फिर मम्मी ने ढक्कन खोला, सोचा ये क्या, बाप रे, है ना, मम्मी ने फिर उसके अंदर स्पून घुमाया, फिर लगाया, फिर पहले क्या करते थे, जिसमें पहले इतना समय लगता था, अब यही पवित्र आत्मा है। पहले जिस चीज में तुझे समय लगता था, खुदा ने कहा उसके बदले मैं तुझे एक ताकत भेजने जा रहा हूं, जिसमें तुझे समय लगता था अब तुझे बस घुमाने की देरी है, अपने आप जो पहले समय लगता था अब एक एक मिनट में तेरे लिए होना शुरू हो जाएगा। हर एक विश्वासी ये जान जाए, खुदा तुझे पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। अगर तू 2022 में पवित्र आत्मा से भर जाए तो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, हर चीज तेरे लिए बदलने जा रहा है। जो पहले आधा घंटा, एक घंटा, एक महीना, दो महीना, 10 साल लगे, वो जब पवित्र आत्मा आएगा हर एक चीज बदल जाएगा। एंड ऑल यू नीड टू डू इज तेरे मन का, तेरे जुबान का, अन्य भाषा का ताकत जब उंडेला जाएगा, अपने आप माहौल, अपने आप विषय एक एक करके होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए इस साल टूथलेस क्रिश्चियन नहीं, टूथलेस का मतलब बिना धार वाला तलवार नहीं है, इस साल धार वाला मसीह बनना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ठंडे बैठने वाले मसीह नहीं, गर्म वाले मसीह बनना है। कैसे बनना है, कैसे बनना है, हेलो, कैसे बनना है, आमीन। गरम, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है, और एक इंग्लिश में लिखा है ना, माइटी रशिंग विंड, एक बहुत बड़ा ताकतवर तूफान, आमीन, वहां पे आया, आमीन, और लोगों को महसूस हुआ। आपको पता पवित्र आत्मा कौन है? जब भूकंप आता है तो आपको पता लगता है, फील होता है ना, जब हरिकेन आता है, जैसे भोपाल में या बारिश होती है, तेज बारिश होती है, या ओले गिरते, पता लगता है घर के ऊपर सुनाई देगा, दर 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 दर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा उससे भी ताकतवर है, एक साइक्लोन से भी ताकतवर है जब वो आता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा मन जो चंचल और व्याकुल हो रहा है, आमीन, वो उसको भी गिरा देता है, खत्म कर देता है। तूफान है वो, हो सकता है तेरे बगल में एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हो, तूफान जब आता है वो खंभे को गिरा देगा, वो विषय को गिरा देगा, उस परिस्थिति को हटा देगा। खुदा कहता है
ऐसा एक ताकत मैंने तुझे दिया हुआ है. I've given to you. मैंने तुझे दिया है. मसीह लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वो बाकी सब चीजों के पीछे भाग रहे, लेकिन उस पवित्र आत्मा के पीछे नहीं भाग रहे. हालेलुया. मैं कुछ देर पहले, आज जब टाइम मिला, तो पुराने एक प्रभु के दास है डॉक्टर हैगिन, उनका एक मैसेज देख रहा था रोनी में. डॉक्टर हैगिन का बहुत, अभी आपको नहीं मिला, कभी देखना. जब वो पोडियम पे खड़े होते थे ना, तो उनके चर्च में लोग, वो बोलते थे, बेचारे बोलते रहते थे कि बैठ जाओ, मैं बैठ जाओ, बैठ दे नहीं थे. कहते भाई बैठ जाओ, बैठते नहीं. सर्विस भी चार चार घंटे चलता था. अपना यहां 2 घंटे से ज्यादा हो जाए तो तूफान अलग से हमारे अंदर उठने लग जाता है. कर्फ्यू, खाना कौन बनाएगा, जाएंगे कैसे. आमीन, आमीन. मैं उनका मीटिंग सुन रहा था, प्रेज लॉर्ड. और कुछ नहीं था, उनका एक प्रेज ब्रेक था. मैं पिछले दिनों में एबी को बोल रहा था कि हमें एक प्रेज ब्रेक होना, आराधना करने का एक समय होना. कौन सा? वो वाला नहीं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. ये तो कोई भी गा सकता है, लेकिन प्रेज ब्रेक आपको पता है क्या होता है? प्रेज ब्रेक होता है जब आपको गाने की जरूरत नहीं है. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरती है ना, तो आप, बाइबल बताती है, जैसे पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय में लिखा है, प्रेज लॉर्ड, इस प्रकार से कि जैसे तेरे जुबान से अन्य अन्य भाषा की, प्रेज लॉर्ड, गुप्त चीजें निकलने लग जाती है. कौन सी चीजें? गुप्त चीजें. एकलीसिया की किताब में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने तेरे हृदय के अंदर कुछ गुप्त चीजों को रखा हुआ है जो तू भी नहीं जानता. लेकिन बाइबल बताती है फिर नए नियम में आके पौलुस कहता है, जब तुम अन्य भाषाओं में बात करते हो तो ये गुप्त चीजें तुम किससे बात कर रहे हो? परमेश्वर से बात कर रहे हो, और सिर्फ यहोवा समझ सकता है. परमेश्वर कहता है, जब मैंने तुझे मां के कोख के अंदर डाला, तो तेरे अंदर मैंने कुछ गुप्त चीजों को क्या किया है? मैंने तेरे अंदर डाला हुआ है. लेकिन परमेश्वर कहता है, वो तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक माइटी रशिंग विंड, पवित्र आत्मा का वो ताकत जब तक तेरे ऊपर नहीं आएगा, वो नहीं होगा. लेकिन जिस दिन वो आ गया, वो जो गुप्त है, वो जो गुप्त है, वो तेरे अंदर से उठने लगता है. वो तूफान उठने लगता है, वो आराधना उठने लगता है, वो भलाई उठने लगती है. चरवाहा रहने वाला दाऊद कुछ नहीं था, उसे नहीं पता था उसके अंदर आमीन राजा का अभिषेक है. लेकिन जब शमूएल ने आमीन उसे अभिषेक किया, आमीन उसके अंदर का गुप्त अभिषेक आमीन उठने लगा. फिर जब वो शाऊल के सामने खड़ा हुआ, तो अपने आप शाऊल का दुष्टात्मा निकलने लगता है. तेरे अंदर खुदा ने कुछ गुप्त अभिषेक, गुप्त चीजों को डाला हुआ है. इस साल हम सबके अंदर वो पवित्र आत्मा होना चाहिए. इट इज पावरफुल. और फिर जो गुप्त है, जो छुपी है, जो बेकार, वो जो खुदा ने तेरे लिए तैयार किया है, सब तेरी जुबान से बाहर आए. तेरी आराधना का हर एक माहौल अलग होगा, तेरी सोच अलग होगी. प्रेज द लॉर्ड. तू वचन खत्म होने के लिए नहीं इंतजार करेगा, तेरा इंतजार होगा कब आराधना कर सकता, कब इसे रिसीव कर सकता. फिर तेरा सोच ये नहीं होगा कि मैं इधर देखूं और उधर देखूं, तेरा सोच होगा मैं कैसे उस खुदावन की आराधना कर सकूं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. फिर तेरे खिलाफ उठने वाले शब्द की आवाज आमीन धीमी और धीमी हो जाएगी, क्योंकि बुलंद आवाज तेरी प्रार्थना की आवाज, आराधना की आवाज तेरे अंदर उठने लग जाएगा. आज यीशु के नाम से हर बेकार आवाज इस कलीसिया के अंदर, आईसीएम के अंदर हर एक आवाज दब जाए, और यहोवा का आवाज, उस खुदा का आवाज जाए. Let it come. Praise the Lord. Hallelujah. क्या इससे मैं कर सकती है? अगले 6 दिन हम एक साथ, हर दिन शायद हम 7 में मिल नहीं सकते, पर 9 बजे तेरा दशवांश का समय,
किसका समय है? 9 से 10 वो हमारा दशवांश है। किसी ने मुझे इस प्रकार से लिखा, पास्टर जी इसे रोको मत, 21 में इसे रोको मत, इसे डाल दो। कितने लोगों का मैसेज है, कह रहे हमारे हमारे परिवार में फैमिली प्रेयर नाम की चीज नहीं होती थी। बोला पिछले 7 दिन में हम सब साथ बैठे, पहले हमें सबको एक साथ बुलाना पड़ता था, अब खुदा के लोग सामने बैठे हुए। इसे रोको मत, ये मेरा दशवांश है, ये आईसीएम का दशवांश है, ये आपका दशवांश है, तेरा समय व्यर्थ नहीं होगा। मैं तो धन्यवाद करता हूं लोगों का जो 8 बजे से यहां पे आके दुआ करते हैं, क्योंकि वो तो 2 घंटे चर्च में बिता देते हर दिन। आमीन। 8 से लेके 10 बजे तक खत्म करके फिर घर जाते हैं। मैं तुझे लिख के दे रहा हूं 2022 तू दुगना चौगना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 100-fold तू अपने नाम पे लिख ले प्रिय, क्योंकि इसका फॉर्मूला तूने क्रैक कर लिया है। मेरा समय खुदा को तो खुदा का समय मुझको, मेरा समय खुदा को तो खुदा का समय मुझको। पर जल्दी से इधर, जल्दी से इधर, पवित्र आत्मा 5 मिनट और ले रही है, आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, नहीं है पारस। सोच मैं तेरे बारे में हमेशा अच्छा बोलता हूँ, पारस तू बहुत अच्छा है यार, बीबी तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तेरे जैसा कोई नहीं है यार, तू ना सब दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा है यार, तू अच्छा बंदा है, मैं तुझको बहुत प्यार करता हूँ, अच्छा है, तू सिंगल है, परमेश्वर तुझे आशीषित कर, बहुत अच्छा है यार, जबरदस्त बंदा है। अब मैं तेरे बारे में अच्छा बोल रहा हूँ तो तू मेरे लिए मेरे बारे में क्या बोलेगा? अच्छा बोलूंगा। मान लो ये खुदा है, आप खुदा को कहते हो आप धन्य हो, आप आशीषित हो, आप भलाई देने वाले हो, आप जैसा कोई नहीं है, ना आप सोते हो ना ऊँगते हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चंद्रमा और सूरज को बनाने वाले आप हो, आप ही मेरे सृजनहार हो, आपने मुझे संभाला है, आप ही मुझे बचा सकते हो, आप ही मेरे श्रोता हो, आप ही मेरे लिए रास्ता खोल सकते हो। जब तू खुदा के पास जाके 2.5 घंटा उसके नाम की बड़ाई करता है, तो सोच अगले 21 घंटे 30 मिनट खुदा तेरे लिए फिर क्या बोलेगा? वो भी बोलेगा, ये भला है, ये मेरा बेटा है, ये अच्छा है, ये सक्षम है, ये आशीषित है, ये अनुग्रहित है, ये भरा हुआ है। हालेलुया। और जिस दिन आप ये सीख गए, थैंक यू पारस, आमीन, खुदा आपकी गवाही देने जा रहे हैं। 2022 कोई और आपकी गवाही नहीं देगा, 2022 देश में आप एक गवाही बन जाओगे, 2022 आपके घर में आप एक गवाही बन जाओगे, 2022 आप अपने परिवार में एक गवाही बन जाओगे। कितने लोग कह सकते हैं मैं गवाही बनने जा रहा हूं? लाइफ में कितने लोग लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू बी अ टेस्टिमनी, मैं गवाही बनने जा रहा हूं, मैं गवाही बनने जा रहा हूं, हर जगह मैं एक गवाही बनने जा रहा हूं, मेरा नाम बदलने जा रहा है, मेरा अभिषेक बदल रहा है, आई एम गोइंग टू चेंज, मेरा एक कार्य बदलने जा रहा है। When you do that, अगले 6 दिन आपका प्रार्थना यही होना चाहिए जो मैंने कल प्रचार की, पवित्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा, get filled by the power of the Holy Spirit। चलते फिरते दौड़ते काम करते हुए आपका प्रार्थना होना चाहिए, खुदा बाप अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। इस कलीसिया में अगर हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए तो हमें भी 1 या 2 घंटे का प्रचार भी नहीं चाहिए होगा, हमें आधा घंटा भी काफी होगा, क्योंकि हर जगह पवित्र आत्मा का माहौल होगा हर एक एरिया में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इवन अगर हमें कोई लाइफ भी देख रहा है, तेरे घर के अंदर भी एक अद्भुत काम हो रहा होगा, क्योंकि तेरे अंदर क्या है, एक पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। आज मैं हर एक व्यक्ति को कहता हूं आज, आमीन, जब इस गीत को हम गाने जा रहे हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आप जहां खड़े हैं अपनी आंखों को बंद करके, आमीन, आप खुदा से बोलिए, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, आमीन, फिल मी विद योर होली स्पिरिट लॉर्ड, मुझे भर दे अपनी आत्मा से, आमीन, और खुदा तेरे लिए एक अद्भुत कार्य अभी करने जा रहा है। कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला, कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला, कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला। बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, दबा कर उसने मुझे खुशियों से भर, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा।
दूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं। कितना बड़ा करुणा, कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धूल डाला। कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धूल डाला। बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा, उसने मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से, आनंद से, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं। चले जो साथ में, चले जो साथ मेरे, आधे रास्ते छोड़ गए अकेला पूरी तरह पड़ गया, चले जो साथ मेरे आने रास्ते छोड़ गए, दुख के कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, सुबह होते ही उसने खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से, आनंद से, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से, आनंद से, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं। कितना बड़ा करुणा, कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धूल डाला। कितना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धूल डाला। बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, तबाह कर उसने मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से, आनंद से, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं। जरा अपने पवित्र हाथों को उठाकर जरा उसके दबाव को कहिए, चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, दुख के कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। कितने लोग कह सकते हैं, अगर आपके साथ ये घटा है तो आप इन शब्दों को बोलकर यहां से जाइएगा। चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, दुख के कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया, रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, मैं आज आपको कह रहा तेरे रात के अंधेरे में जितना भी दुख है, आज इस शाम के समय तुझे जितना भी दुख है, सुबह होते ही तुझे खुशियों से वो भर देगा, खुशियों से। रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, रात के अंधेरे में जितना दुख हो
चाहे, सुबह होते ही मुझे आनंद से भर दिया, आनंद से नाचूंगा मैं खुदा, आनंद से नाचूंगा मैं। यस खुदा, आज मैं कहता हूं कि आज मैं आनंद से नाचूंगा, ये हफ्ता मैं आनंद से नाचूंगा, ये दिन मैं आनंद से नाचूंगा, आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जा रहा खुदा, आज मैं आनंद से नाचते हुए यहां से जाता हूं। प्रभु जी हमारी आनंद को हटाने वाला, हमें दुख देने वाला, हमें कठिनाई देने वाला, हमें परेशान करने वाला, ओ जीसस, उस अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे। हम जहां है तेरे सामने है, उस पवित्र आत्मा से हमें भर दे, भर दे, भर दे उस शक्ति को जो ताकतवर है, जो हर एक वस्तु से ताकतवर है, आज उससे हमें भर दे। परमेश्वर हम कहते हैं, fill us with that power, 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 Lord। रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, खुदा बाबा इसम के लिए सुबह होते ही मुझे खुशियों से भर दिया, आनंद से इस पूरे हफ्ते नाचूंगा खुदा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं खुदा, इस हफ्ते मैं आनंद से नाचूंगा खुदा, आई विल आनंद से मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं हर भाई के लिए, हर बहन के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं खुदा बाप। हम आपको ढूंढने जा रहे हैं पिछले 6 दिन और ये 7वां दिन मिला के, हर दिन आपकी उपस्थिति में दुआ में आने के लिए आपने हमें मदद किया खुदा बाप। 9 बजे आपके साथ जुड़ने के लिए आपने मदद किया खुदा बाप। आराधना किया हमने, अपने विषयों के लिए प्रार्थना किया, आमीन। भारत देश के लिए, दुनिया के लिए, आमीन, हमने दुआ किया, आमीन। आज हम विश्वास करते हैं जिंदा खुदावन, अगले 7 दिन में पिछले 7 दिन से बढ़कर खुदा अपनी रूह की ताकत आप हमें भरोगे। हम विश्वास करते हैं, God, we are going to see your hand, हम तेरे हाथ को हमारे ऊपर देखने जा रहे हैं। आईसीएम के हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका ताकत उंडेलने जा रहा है जीसस। Glory, glory, oh, we are going to see your power, we are going to see your power, खुदा बाप। प्रभु जी वो वस्तुएं जो गलत थी, जो हमें धीमी कर देती थी, जो हमें प्रभु जी दुखी कर देती थी, आज यीशु के नाम से खुदा बाप हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में एक नया शक्ति उंडेलने जा रहा है, हमारे हाथ, हमारे काम, हमारा कार्य बदलने जा रहा है। आज कितने लोग समर्पित होकर आज ये दुआ मेरे साथ कर सकते हैं, कितने लोग, how many of you can receive this prayer, खुदा इस साल में दिमाग नहीं लगाऊंगा, खुदा इस साल में अपनी ताकत को नहीं लगाऊंगा, खुदा इस साल में अपने ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, इस साल बोलिए मेरे साथ, इस साल, ऐसा बोलिएगा कि शैतान के जहन में आमीन एक करंट लगे जब तू बोले इस साल, इस साल, इस साल मैं अपने सबसे बड़े भलाई को, चंगाई को और परमेश्वर को देखने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। ये साल मैं अकेला नहीं,
पीछे, मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे दुआ में, मेरे कलीसिया में, मेरे हर एक वस्तु में। एक साथ बोलिए, वो है, वो है, वो है। यीशु मसीह के नाम से मिलके एक साथ आईसीएम का परिवार दुनिया में कहीं से भी हमें लाइव में अभी देख रहा है, और ये दिल्ली का कलीसिया एक साथ मिलके कहेगा आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। इन आखिरी वचनों को प्रभु के दास से रिसीव करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक साथ मिलके हालेलुया, आप सब बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग भी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 600 से ज्यादा लोग हैं। आमीन, आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आप सबके लिए आशीषित रहा। कल से, आमीन, हम फिर से यूट्यूब में और फेसबुक में साइमल्टेनियसली 9:00 को, आमीन, 9 PM रात को हम लोग फिर से जुड़ेंगे। कल हमारा 8वां दिन होगा। आमीन, आप पिछले 6 दिन 7 दिन कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़े। आमीन, कल से फिर से हम सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। वो जो दशवांश समय का है वो खुदा को हम देंगे। आमीन, और मुझे विश्वास है परमेश्वर ICM के ऑनलाइन चर्च को भी वैसे ही आशीषित करेगा। आमीन, जैसे उसने पहले सदी की कलीसिया को किया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। शालोम, मारानाथा। Thank you for joining us. For support and offerings, you can send it to our UPI ID and bank account, which is mentioned below. To see more of our videos, you can go to our video session of our Facebook page. And don't forget to like our page for getting all our notifications and our daily updates. Thank you. God bless you. Shalom.